so let me check uh, whether i'm live or not let me ask you in the chat as well Okay cool I am live I'm sharing it on my Telegram channel ओके ओके आई एम डूइंग फाइन यार आई होप यू गाइस आर स्टडिंग हार्ड राइट इन फ्यू मोमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके तो कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एंड देन या ऑबियसली टेलीग्राम चैनल जिंदाबाद जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी को क्योंकि यहाँ पे आप मेरे से यू नो रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रह सकते हो यूट्यूब पे उतना कनेक्शन पॉसिबल नहीं होता है इन जोन आर एस टेलीग्राम चैनल का नाम है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है ओके इम्सोनी से आप गूगल प्ले स्टोर पर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद सर्च कर सकते हो एंड ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल विथ टू लाख प्लस सब्सक्राइबर ही आपको ज्वाइन करना है पेक वाला नहीं ज्वाइन करना ओके एंड वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ विद द चैप्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वन एंड हाफ आवर दैट इज़ बाई एट ओ क्लॉक विद इन टू मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इज़ सिक्स ट्वेंटी एट Uh, by my watch right now, and we will try to complete it in one and a half hour. ओके आई थिंक दैट इज़ सफिशेंट हम मेन फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करने में ओके okay? इसका जो डिटेल्ड लेक्चर होगा जो कि 2023 ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी को सर्व करेगा वो लेक्चर मैं बाद में आपके लिए ले लूँगा ठीक है उसमें और भी सारी चीज़ें आपको बतानी होती है बट uh, उन सब चीज़ों पर मैंने कट शॉर्ट किया अभी के लिए बिकॉज आई हैव टू एक्ट एज पर द नीड ऑफ द आर दैट इज़ फॉर नीट राइट ओके right? okay. इसकी भी पी डी एफ जो है मैं शेयर कर दूंगा तो याद रखिएगा या, चैनल आपको ज्वाइन करना है ये जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें जो भी मैंने एडिट किया एनोटेट किया एनसीआरटी में जितने भी न्यूमोनिक्स विजुअल ट्रिक्स एनोटेट किए सब आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पीडीएफ भी ठीक है ये तो आपको मिल जाएगी एनोटेटेड पी डी एफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पी डी एफ रिकमेंडेड एम सी क्यू उसकी पी डी एफ फॉर द चैप्टर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिनको एक्स्ट्रा एज चाहिए विकमेंडेड एम सी क्यू पी डी एफ भी लगा सकते हैं जिनको बेसिक अपना काम करना है एक बस फाउंडेशन चाहिए और अपने आपको टेस्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नाइनटीन नाइनटी एट से ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक के पूछे गए हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एन सी आर टी बेड स्ट्रिक्टली एन सी आर टी बेस्ड वो पी डी एफ आपको तो सब सॉल्व कर लेनी है समय मिलेगा तो हम वो डिस्कस भी कर लेंगे ऑल राइट right? एवरी वन इज़ रेडी इज एवरी वन रेडी गिव मी अ थम्स अप ओके टू टू थ्री डेज से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया था बिकॉज एक दिन मैंने आपको बताया था एक हॉट स्टार सुपर स्टार टीचर से मेरे को मिलना था दैट इज़ विशाल तिवारी सर एंड यू नो वी ऑल लव हिम एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टीचर्स इन द डोमेन ऑफ केमिस्ट्री एंड आई वॉज रियली हम्बल टू मीट him एंड हम लोग ने तीन घंटे डिस्कशन किए बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग ने डिस्कस किया ठीक है एंड एजुकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कैसे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ और बहुत सारी चीज़ों एस्पेक्ट पर हम लोग ने बातें की एंड या मज़ा आया उस दिन काफ़ी यू नो यू हैव टू कीप नेटवर्किंग विद गुड पीपल हाई क्वालिटी पीपल पीपल विथ जेनुन बिलीफ एंड पीपल विथ यू नो जेनुन इंटेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स राइट आप उनसे बात करते हो तो आप समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी यार एंड टेक कोऑपरेट करना इतनी हाई क्वालिटी क्रिस्प क्वालिटी वीडियो कैसे वो बनाते वो सारी चीज़ भी मैंने सीखी है उनसे आई व्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन द स्टूडियो बट हाँ चलो ओके okay. सो लेट इट स्टार्ट आई थिंक फोर हंड्रेड स्टूडेंट हैव ज्वाइन दस एंड इट इज सफिशंट फॉर अस टू स्टार्ट ओके सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो थम्सअप दे दो फटाफट -फट. सब लोग सेशन को थम्सअप दे दो एंड जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट ज्वाइन कर लो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के ठीक है ज्वाइन कर लिया जाए टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन किया है ओके ओके सो एवरी वन इज रेडी ओके चलो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक है सो वी विल रैपिडली मूव थ्रू ऑल द सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज हमें सब कुछ टच करना है सो दैट वी आर एबल टू वट वी आर एबल टू कम टच अपॉन एवरी थिंग दैट इज रेलिवेंट फॉर द एग्जाम ओके सो सब टॉपिक्स एज यू कैन सी ऑक्जन के फंक्शन पे पांच क्वेश्चन है गिब्रेलिट पे फंक्शन पे पांच क्वेश्चन बेसिकली अगर आप फंक्शन पे देखो तो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट जितने बार भी इनसे क्वेश्चन आया नाइनटीन नाइनटी एट टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप देख सकते हो कहाँ से आया हार्मोन के फंक्शन को इसीलिए मैंने इनके विजुअल निमोनिक्स बना के रखे हैं इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे विजुअल निमोनिक्स को उसके बाद आपका फोटोपीरियोडिजम इंपॉर्टेंट था उससे कम इंपॉर्टेंट है ग्रोथ मॉडल डॉरमेंट सी डेवलपमेंट मॉडलनाइजेशन सो द पॉइंट इज कि हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड पढ़ाई करनी है 2022 वालों का भी और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि ऐसा सब टॉपिक डिवीजन जो है ना तुम्हें हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे इतना इनसाइट इतना इनडेप्थ इनसाइट कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा है कि आपको बता दे ठीक है सब बोल देंगे एक क्वेश्चन आएगा पर कहाँ से क्वेश्चन आएगा चैप्टर इतना बड़ा है हमें कोई आइडिया दे दे कि यार किस सब टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो मैं वही रिवाइज करके जाऊँ अगर मेरे पास टाइम क्राइसिस होती है क्योंकि देखो प्लांट फिजियोलॉजी से आपके टोटल फाइव टू सिक्स क्वेश्चन आने वाला अगर आपको पता चल जाए सबसे ज़्यादा प्रॉबिबिलिटी किसकी है? कोई देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ये नहीं कह सकता एकदम पिन पॉइंट करके भाई यही क्वेश्चन आएगा राइट इन टू द कैमरा कोई ये कह कह नहीं सकता कि भाई यही क्वेश्चन आने वाला है राइट सो so, हम किन एरियाज़ पर वी कैन पुट बेट ऑन ठीक है

सो so, तो हंसी मजाक करते हुए पढ़ाई करेंगे ठीक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं एंड ये पीडीएफ भी जो है क्वेश्चंस की मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ये शेयर कर दी जाएगी आपसे टेलीग्राम चैनल एम्स यूनियन ए आर पे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ये पाप मत करिए ठीक है, है अभी भी समय है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ओके सो ओके सो पहला पैराग्राफ पेज आ जाओ इस पेज पर पे. ठीक है इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये आपको मानना है है जानना है कि डेवलपमेंट इज सम ऑफ ग्रोथ एंड ये वाला पार्ट मार्क कर लो ठीक है आई होप आज विजिबिलिटी इंप्रूवड है क्योंकि मैंने लैंडस्केप में चीजें रखी हैं पिछले बार मेरे को नहीं आ रहा था ऑपरेट करना मैंने पोर्ट्रेट में रख दिया था पोर्ट्रेट की वजह से क्या होता है सब ब्लर हो जाती है क्योंकि आप स्ट्रेच करते हो इसको भी इस में फिट इन करने के लिए राइट ओके ओके उसके बाद फर्स्ट स्टेप प्रोसेस प्लांट ग्रोथ इज सड जर्मिनेशन बस जस्ट फॉर इनफॉर्मेशन इन द एबसेंस ऑफ सर फेवरेबल कंडीशन द सीड्स डो नॉट जर्मिनेट गोज इन टू पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट वन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड्स रेज्यूम मेटोबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वालों को अगर समझ में आता है तो समझ ले वरना इन डेप्थ बैकग्राउंड देते हुए स्टोरी सुनाते हुए स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वालों को पढ़ा रहा हूँ ठीक है डेप्थ में ठीक है हम एक्सटेंसिक तो तो और इंटेंसिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो गवर्न करते हैं डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को प्लांट्स में ठीक है एंड डेवलपमेंट क्या है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम है ओके लेट्स मूव ऑन ओके आप ये देख सकते हो ये वाला एक बार आप इसकी लेबलिंग अच्छे से देख लीजिए एपीकॉटल हुक ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए ठीक है एंड हाइपोकॉटल ठीक है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जर्मिनेशन एंड सीडिंग डेवलपमेंट इन बीन्स ओके ग्रोथ ग्रोथ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पीकुअस कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑफ़ लिविंग बीन ये आपको लिविंग वर्ल्ड uh, में भी ये बताया गया है एंड ये आपको यहाँ से भी याद कर रहे इसलिए मैंने क्या किया है ये थीटा 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 या क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क में क्या करता हूँ उन चीज़ों पे करता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आप भी ऐसे मार्क करके चल सकते हो ठीक है आपको हैश लगाना स्टार लगाना आप जैसे एनोटेट uh, करना चाहते हो आप कर सकते हो इन रिवर्सबल और परमानेंट होते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन इंडिविजुअल सेल तो सेल हो गया टिश्यू हो गया ऑर्गन हो गया कोई भी पार्ट हो गया प्लांट का वो अगर इिवर्सिबल इंक्रीज शो कर रहा है और पर्मनेंट इंक्रीज शो कर रहा है दैट इज काउंटेड एज ग्रोथ ठीक है राइट ओके सो एनोबॉलिक कैटोबॉलिक दोनों आते हैं ग्रोथ में ठीक है मेटाबॉलिक uh, प्रोसेस दोनों होते हैं एनोबॉलिक एंड कैटोबॉलिक एंड कैटाबॉलिक का क्या एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन आपको एनर्जी मिलती है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड सिंथेसिस एंड फॉर एनाबॉलिक प्रोसेसिस आपको रिस्पायर करने की जरूरत है हम भी ग्रोथ तब कर पाते हैं जब हम रिस्पायर करते हैं एनर्जी लिबरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी फ्रॉम द फूड दैट वी आर ईटिंग राइट ओके एक्सपैंशन ऑफ लीफ ग्रोथ हो गया ये सारी चीजें फिर प्लांट ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट होती है वर्सेज डिटर्मिनेट होती है आपकी एनिमल की ग्रोथ एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है डिटर्मिनेट होती है प्लांट की कैसी होती है इनडिटर्मिनेट होती है ठीक है एक मिनट यार थोड़ा सेट कर लूँ हाँ ठीक है ओके ठीक है इज एवरी वन फॉलोइंग ठीक है चलो ये अलग थोड़े बोरिंग पार्ट्स है मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे लिख लो ऐसे फटाफट कि प्लांट की ग्रोथ जो है क्या होगी यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है खिसक जा रहा है ओके okay, ये खिसक जा रहा है लेट मी सेट इट यार यही प्रॉब्लम होती है ओके hmm. okay. चलो यार थोड़ा कंस्ट्रक्टर सा दिखेगा शायद आई होप इतना भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है विजिबल है राइट विजिबल है सब कुछ बता दो एक बार थम्स अप दे देना यार एवरी थिंग इज विजिबल आगे बढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ जो होती है ओपन होती है इनडिटर्मिनेट होती है लोकलाइज्ड होती है एरिया ऑफ मेरिस्टम में आपका एपकल हो गया लैटरल मेरिस्टम हो गया उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ जो है लोकलाइज लोकलाइज्ड होती है लैटरल मेरिस्टम आपका क्या गर्थ को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एपकल मेरिस्टम रूट एपकल मेरिस्टम शूट आपकल मेरिस्टम आपके एक्सेस के लॉन्गिट्यूड ग्रोथ में आपको हेल्प कर रहा है राइट right? और प्लांट डिफ्रेंसीशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन होती है प्लांट की डिफ्रेंशिएशन भी ओपन होती है याद रखना ठीक है आ, प्लांट किस एक प्लांट का सेल जो है आ, वो टोटिपोर्टेंट होता है सेल तो वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है कोई भी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकता है डिफरेंट टिश्यूज बना सकता है बॉडी का और डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एक्टिविटी शो करता है ये हम आगे भी एनसीईआरटी की लाइन में कवर करेंगे ठीक है समझ में आ गया ओके सब पूछ रहे भैया आप कन्हैया क्यों थे वो तभी पता चलेगा जब तुम आधा सेशन अटेंड कर लोगे ठीक है तो यूनिक है अनलिमिटेड है ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ है मेरिस्टम सर्टेन लोकेशंस में होते हैं एंड उसके वजह से ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट होती है प्लांट की कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट ये सारी चीज़ें मार्क कर रही हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ आप ऐसे इस पर गोला लगा लो ठीक है और रूट ऑफ शूप आजकल मेरिस्टम होता है प्लांट में जो कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में, में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट सेकेंडरी मेरिस्टम जो डेवलप होते हैं जैसे कार कैम्बियम वून कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम तो वो आता है जब प्लांट डी डिफ्रेंशियट करता है डिफरेंशियट करके फिक्स हो गया डी डिफ्रेंशियट करके वापस आ गया ठीक है तो तुम लाइफ में फिक्स हुए बट फिर से तुम्हारा फिक्स हुआ पर ब्रेकअप हुआ फिर तुम कन्हैया फिर से बन गए ठीक है तो तुम यू आर ओपन टू एवरीथिंग तो वहाँ पे तुम क्या होगे डी डिफरेंशिएट करके पहले डिफरेंशिएट किए तुमने तुम्हारे जैसे सिंपल सी बात है यार तुमने हाउस देखा होगा तुमने गुड डॉक्टर देखा होगा शायद ग्रेज एंड आटमी देखा होगा ऐसे तुमने टाइम वेस्ट तो किया ही है मैं तो जानता हूँ नेटफ्लिक्स का ज़माना है हॉटस्टार का ज़माना है तो उसमें आप ये सब पे टाइम वेस्ट करते हो तो आपने देखोगे डॉक्टर से बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या है वॉट आर द पॉसिबल डायग्नोसिस फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम दैट अ पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू यू ठीक है तो उसमें आपके डिफरेंशियल्स होते हैं मान लो ए बी सी डी ये चार प्रकार के डिजीजेस हो सकते हैं तो आपके लिए जैसे ए बी सी डी ऑप्शन एम सी होते हैं वैसे हमारे लिए क्या होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पेशेंट में जो एक आ, सेट ऑफ साइन सिम्टम्स के साथ आ रहा है ठीक है तो हम फाइनली कंक्लूड करके पहुँच पाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिफरें सबको हटा के कि यार ये पर्टिकुलर डिजीज है तो वैसे ही आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं आप फाइनली डिफरेंशिएट कर जाते हैं एक बंदे पे एक पर्टिकुलर पर्सन पे आप फिक्स हो जाते हो पर एक बार जब आपका दिल टूटता है आपका दिमाग खुलता है तो फिर आप क्या सोचते हो यार मैं फिर से कन्हैया बन जाऊंगा ठीक है कर जाते हो ठीक उसमें भी हम कवर करेंगे चलो प्राइमरी ग्रोथ जो है ओके okay. तो प्राइमरी ग्रोथ जो है प्लांट की आ, कंट्रीब्यूट करती है इलॉन्गेशन द प्लांट जैसे मैंने आप, आपको बताया था डाईकॉट लीडनेस जो प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और आ, आ, ये उनके जो लैटर मेरिस्टम कॉर्क कैंबियम अपीयर करता है लेटर इन लाइफ ठीक है अब बस इसी मार्क करते हो गर्थ कॉन्ट्रीब्यूट करता है गर्थ को ठीक है ये आपका कॉर्क कैंबियम गर्थ को इंप्रूव कर रहा है ठीक एंड इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट ये इंपॉर्टेंट हो गया ऐसे आप लिख सकते हो कि शूट आपका मेरिस्टम प्राइमरी हो गया वैस्कोलो कैंबियम जो आपका सेकेंडरी होता है वो डाइकॉट एज वेल एज जिम्नोस्पर्म्स में आपको देखने को मिलता है राइट right? ठीक है ओके okay. ग्रोथ क्या मेजरेबल होती है प्लांट पूछता uh, है सॉरी एनसीआरटी पूछती है आपसे ओके एनसीआर आपसे पूछती है ग्रोथ मेजरेबल है कि नहीं हाँ मेजरेबल है ऑग्जेनोमीटर के थ्रू सेलुलर लेवल पे प्रोटोप्लाज्मो को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट चीज होती है तो ग्रोथ को हम मेजर कर रहे होते हैं वैराइटी ऑफ पैरामीटर से सम ऑफ देम इंक्रीज इन फ्रेश वेट ड्राई वेट लेंथ एरिया वॉल्यूम सेल नंबर ये आपको मल्टीपल चॉइस में दे सकता है बोल सकता है फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू असेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड उसमें ये सारे दे देंगे उसके बाद आपको फाइनली ऑप्शन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब फैक्टर्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ फैक्टर्स विल हेल्प अस इन असेसिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट उसमें लिखेगा टू थ्री फोर फाइव पांचों का नाम दे सकता है तो पांचों के पांचों आंसर सही होंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा राइट right? ओके okay. यार uh, अगर लाइव सेशन अभी तक शेयर नहीं किया किसी को तो शेयर करो सबको बुलाओ फटाफट अभी मेन पार्ट हमारा शुरू नहीं हुआ है ठीक है कोई भी आ सकता है अभी फिर ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना यार इसको ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आप लिख लो ऐसे कि एक मेज़ है ठीक है मेज़ का जो सेल होता है वो सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेल पर आवर जो कि नंबर में आप इवेलुएट कर रहे हो ठीक है वॉटरमेलन को है इतना टाइम्स उसका सेल इंक्रीज़ uh, कर जाता है इन वॉल्यूम तो साइज पर आप उसकी ग्रोथ को एवेलुएट कर रहे हो ठीक है पॉलन ट्यूब को लेंथ पे उसकी ग्रोथ को आप मेजर करते हो और एक डॉर्सो विंटर लीफ जो है उसका सर्फेस एरिया को आप मेजर कर रहे होते हो ठीक है हो गया आगे बढ़े बताओ 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 ठीक है आगे बढ़े सब लोग बताओ फटाफट जल्दी जल्दी ये कुछ लाया आ रहा है क्या समझ समझ तो में आ गया आगे बढ़े क्लियर जेनेटिक्स करवा दूँ चलो यार टाइम मिलेगा तो मैं गाना भी बजा दूंगा ठीक है डीजे वाले बाबू बनके बट ठीक है राइट टाइम की तो कमी होती है बॉस इंटर एज ए इंटरन चलो अब आगे बढ़ते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ पे राइट देखो यार तुम्हें ये याद रख मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना उसको बस इम्बाइव करते हुए चलो और ये सारी चीज़ें जो मैं मार्क कर रखा ना एक पेन से तुम मार्क करते जाओ और लिखते जाओ ठीक है ये तुम्हें मिल भी जाएगी आ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है अभी मेन एरिया पे हमें जाना है ये सारी चीज़ें बहुत लेस लाइकली होती है पूछने को देखो तुम्हारा एक पेपर अगर बनता है ना सिर्फ इस पे इस चैप्टर पे एक पेपर बनता है जिसमें जो 40 से 45 क्वेश्चन जैसे तुम्हारे टर्म टेस्ट होते हैं छोटे छोटे मॉक टेस्ट होते पार्ट सिलेबस टेस्ट उसमें बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन बन सकता है ठीक है बहुत सारी चीज़ों को पूछेंगे पर जब पूरे सिलेबस से पेपर आ रहा होता है ठीक तो उसमें एक सवाल उठाना है अब कौन से सवाल उठाएंगे फंक्शन पर उठाएंगे फंक्शन अभी हमारा बच्चा हुआ है ठीक है चलो तो पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इंटू मेरिस्टमेटिक इलोंगेशन और मैच्यशन ठीक है एम एम में आपका ग्रोथ आपका डिवाइडेड होता है ठीक है मेरिस्टमैटिक फेज होता है जहाँ पे वो एक्टिवली डिवाइड कर रहा होता है अब हम ये सारी चीज़ें लिख लेंगे अच्छे से क्या होता है अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ठीक है कोई बोल रहा था आर्यन भाई आप बहुत तेज़ हो ठीक है तो मैं उनको बोलूँगा यार अभी थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है आपके लिए ठीक है ओके तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे और आगे जो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ठीक है एक ही जगह लिख दिया है ठीक तो या तुम जितने टेबल्स कॉलम्स और ऐसे ऑर्गेनाइज करके डेटा को प्रेजेंट कर दोगे ना एन के छोटे छोटे एजेस पे या फिर मार्जिनस पे आप डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख दोगे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती है रिवाइज़ करना ठीक है हाँ अब ये देखो डिटक्शन जोन ऑफ इलॉन्गेशन बाई पैरल लाइन टेक्निक हमने पैरल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे ठीक है मार्क कर दिया इस पॉइंट को मार्क किया इस पॉइंट को मार्क किया इस पॉइंट को मार्क किया फिर यहां पे मार्क किया था इस पॉइंट को अब ये दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर वो थोड़ा नीचे आ गया ये वाला पॉइंट और ग्रो किया इंस्टेड ऑफ कमिंग दिस यहां पे ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया ठीक है तो ये दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है ठीक है ये एपेक्स वाला सबसे ज्यादा लॉन्ग किया है इमीडिएटली बिहाइंड ए बी सी डी जो है सबसे ज्यादा लॉन्ग किया का जैसे ए वाला पार्ट अगर यही प्लांट को हम सुपर इम्पोज कर दें यहां पर तो ए वाला जो होता है यहां पे आता है राइट यहाँ पे आता, सही बात, पर ये कहाँ आ रहा है कुछ समय बाद यहाँ आ गया तो ये इतना ग्रो कर गया ठीक है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र चलो यार क्या पाइथागोरस कर रहे हम पे, छोड़, सो so आगे बढ़े आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बना रखा है आप ऐसे बना सकते हो ऐड कर सकते हो चीज़ों को ओके तो मेरिस्मैटिक सेल्स क्या होते हैं स्मॉल होते हैं उनका प्राइमरी सेल वॉल होता है प्राइमरी सेल वॉल थि और सेलुलजिक होगा एंड प्लाज्मो डिसमेटल कनेक्शन होंगे उसमें ठीक है थिन सेलुलोजिक क्यों है अभी बताता हूँ मैं आपको उसमें डेंस साइटोप्लाज्मा होगा और लार्ज स्पीवस न्यूक्लियस होगा तो यार मेन एम क्या है ये मेरिस्मैटिक सेल्स क्या होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक सेल से मतलब छोटे छोटे सेल्स बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे ठीक तो अब ये छोटे छोटे सेल्स होंगे ना वो ग्रो करते ही डिवाइड कर जा रहा है समझ रहे हो तो सेल्स कैसे होंगे स्मॉल होंगे ठीक और उनका सेल वॉल कैसे होगा थिन और सेल्लोजिक होगा कि तभी वो रैपिडली डिवाइड कर पाएगा अगर थिक्स सेल वॉल हो जाए उस पर कुछ डिपॉजिट हो जाए मान लो ये सेल वॉल है और इस पर कुछ मैंने डिपॉजिट कर दिया बहुत थिक सा तो वो डिवाइड कैसे करेगा नहीं करेगा ठीक है और उसके कनेक्शंस होंगे बाकी सेल्स के साथ ताकि वो डिवाइड करे और ठीक है और उसका कम्युनिकेशन बना रहे बाकी सेल्स के साथ एट एटम वॉलिकुलर लेवल ठीक डेंस साइटोप्लाज्म होगा ठीक है एंड न्यूट्रिशनली रिच साइटोप्लाज्म होगा उसका एंड लार्ज कंस्पीक्यूस न्यूक्लियस होगा उसका ठीक है अब इलॉन्गेशन क्या सेल इोंगेशन वाले फेज में क्या होगा सेल इन्लार्जमेंट होगा इलॉन्गेशन हो ही रहा सारे डायमेंशन में होगा इन्ार्ज हो रहा है सेल बड़ा हो रहा है उसमें नया सेल वॉल डिपॉजिट होना शुरू होगा और उसमें वैक्यूलेशन भी होगी ठीक है तो ये जो है ना मैंने जानते हो किस ऑर्डर में लिखा ऐसे ही ऑर्डर में लिखना है रैंडम ऑर्डर में तो लिखना है, ठीक है क्यों क्योंकि मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि पूरा सेल का साइज़ के बारे में बात करते हैं ठीक है फिर उसके सेल वॉल के बारे में ठीक है कोई सेल है हम उसको ऊपर से देख रहे हैं ठीक है मान लो कोई सेल है ठीक है ये सेल है इसको हम ऊपर से देख रहे हैं पहले ठीक है हाँ तो ये बता रही कि छोटा सेल है फिर हम इसके सेल वॉल को डिस्क्राइब कर रहे हैं फिर उसके साइटोप्लाज्म और फिर अंदर जाके हम उसके एक और एलिमेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि मेरस्मैटिक सेल में हम न्यूक्लियस को डिस्क्राइब कर, तो कर रहे हैं तो उसी फॉर्मेट में हम इलॉन्गेशन को भी डिस्क्राइब करें क्या कि सेल इनलार्ज हुआ उसके बाद सेलवॉल पर आ जाए तो वहाँ वाले पे प्राइमरी सेलवॉलॉल था यहाँ पर क्या न्यू सेलवॉल डिपोजिशन हो गया ठीक है उसके बाद अंदर आओ वहाँ पर हम साइटोप्लाज्म और कस्पीकुअस न्यूक्लियस की बात कर रहे थे यहाँ पर क्या करेंगे वैक्यूलेशन की बात करेंगे वैक्यूल की बात करेंगे ठीक है समझ में आ रहा है शन क्या होता है या वैक्यू यार ये सारी चीजें अभी आ, ये सारी चीजें अभी देखो यार समय नहीं समझाने का ठीक है आ, एक और चीज और आपको कवर करानी है ये कि फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रोक्सिबल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सेस विच इज अंडरगोइंग फेज ऑफ मैच्योरेशन आफ्टर दिस इलोंगेशन आपका मैच्योरेशन वाला जोन आता है प्रॉक्सिमल आता है प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है देखो कोई भी अगर बॉडी है उससे एक ये स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और मेरे को भी अपने समय प्रॉब्लम हुई थी जब एम बी एस में आ जाते हैं तो डिस्टल प्रोक्मल मीडियल लैटरल सेफैलो कॉडल सब समझ में आ जाता है क्योंकि आप फर्स्ट डे ऑफ एनाटमी से ये सारी चीज़ें टर्म सीख रहे होते हो ठीक है पर यहाँ पर ऐसे समझ नहीं आते प्रॉक्मल डिस्टल क्या होता है अगर यार ऐसे कुछ आउट ग्रोथ हो रही है यहाँ से ठीक है तो बॉडी के रिस्पेक्ट में ये वाली जो पॉइंट होगा ना ये पॉइंट जो होगा ये होगा डिस्टल ठीक है वही ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा प्रोक्सिमल तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि ये अगर मरिस्मैटिक जोन है फिर ये आ गया आपका कौन सा जोन ऑफ इलोंगेशन तो इसके प्रॉक्सिमल मतलब इस मेन बॉडी के पास जो होगा वो जोन ऑफ मैच्यूरेशन होगा ठीक है और मैच्यूरेशन में क्या कह रहा है सेल जो है अटेन करता है मैक्सिमम साइज इन सेल वॉल थिकनिंग क्योंकि इलोंगेशन वाला जो प्रोसेस था उसमें नए सेल वॉल डिपॉजिट हो रहा था वो कंप्लीट हो रहा है मैक्सिमम डिपॉजिट हो गया आपके किस में मैच्यूरेशन वाले जोन में और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी मैक्सिमम हो चुका है और मोस्ट ऑफ द सेल्स प्लांट के ऐसे ही होते हैं ठीक है मोस्ट ऑफ द सेल सारे नहीं ये देख लेना ध्यान से प्लीज इसको भी मार्क कर लो ठीक है आप ये मार्क कर लो इट इज इंपॉर्टेंट मोस्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब ध्यान से पढ़ा करो यार क्वेश्चन ऐसा ना कह दे ऑल द टिश्यू और तुम फटाफट मार्क करके आगे सिर्फ रीड किया ऑल द टिश्यू एंड सेल्टाइज आफ बिलोंगिंग टू द मेचूरेशन जो नहीं ऑल नहीं मोस्ट ऑफ इट बिकॉज आपका ये दोनों तेल लेने तो जाएंगे नहीं ठीक है मेरे, मेरे जोन भी होगा और इलोंगेशन जोन भी होगा समझ में आ है सबको ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहां लिख दिया मैचुरेशन में मैक्सिमम साइज सेकेंडरी वॉल एंड डिफ्रेंशिएटेड है अब चलो ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम लोग ने क्या पढ़ा ग्रोथ मेजरेबल है फिर फेज़ क्या क्या होता है ग्रोथ का अब उस ग्रोथ फेज़ में किस रेट पे ग्रो कर रहा है हम उसकी बात करेंगे तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम उसको ग्रोथ रेट कहते हैं अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर देंगे दो वे में एक एरेथमेटिक होता है एंड एक जियोमेट्रिक होता है एरेथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन आपके मैथ्स वाले पढ़ते हैं मैंने क्लास एलेवंथ में जब मैथ्स ले रखी थी हमें भी पढ़ाया गया था पर कोई फ़ायदा नहीं मैथ्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे मेडिकल में इसलिए मैंने छोड़ भी दी थी फोकस ये था कि चुपचाप दिमाग लगा के मेडिकल में एक्यूरेसी इंप्रूव कर लो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे ठीक है और बेसिक मैथमेटिक्स जो है जो रिक्वायर्ड होती है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वालों को रिक्वायर्ड होगी क्लास इलेवेंथ वालों को रिक्वायर्ड होगी उतना फिजिक्स में बता दिया जाता है आपको उसमें आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है ठीक है राइट चलो तो एरिथमेटिक में क्या हो रहा है और ये भी याद रख लो ये अभी मैं बताता हूँ एरिथमेटिक में क्या होगा ये डायग्राम कर लेते हैं कि एम्ब्रियो में ज्योमेट्रिक होता है और एरिथमेटिक फेज़ होता है ठीक है आप देख सकते हो ज्योमेट्रिक फेज़ है पहले और फिर क्या है कुछ सेल्स जो केपेबल ऑफ डिवीजन है कुछ सेल्स लूज़ करते हैं केपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न और एरिथमेटिक फेज में एंटर कर जाते हैं एरिथमेटिक में बेसिकली क्या होता है एक सेल है उससे दो सेल बने एक सेल जो है वो नहीं केपेबल है आ, नया सेल बनाने का एंड एक सेल जो है केपेबल है ये नया सेल बना सकता है फिर ये ऐसे ही आगे डिवाइड होता रहेगा ठीक है।, है ये नहीं बना पाएगा तो कितने सेल आ, एक से दो दो से फिर कितने ठीक है समझ गया ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है तीन चार पाँच ऐसे करके आगे बढ़ रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोगों ने देख लिया एरथमेटिक ज्योमेट्रिक हो सकता है माइट्रोक सेल एरिथेमेटिक में क्या होता है कि एक सेल आपका डॉटर सेल जो है कंटिन्यू टू डिवाइड करता है दूसरा डिफ्रेंशिएट और मेच्योर कर जाता है ठीक है आप देखो सिंपलेसट एग्जाम्पल क्या होगा गया ग्रोथ का रूट इलोंगेटिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट जो हमने रूट का देखा था ना कॉन्स्टेंट रेट पर इलोंगेट करा वो है कॉन्स्टेंट मतलब क्या स्लोप आपका फिक्सड है ठीक है इसको आप देख सकते हो ये वैसे ही फॉर्मूला हो गया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाल लो नहीं है वैसे ही है ना ठीक है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था ये यहाँ पे क्या हो गया हमने रेट ऑफ ग्रोथ रख दिया इनिशियल सॉरी फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ लगती सिम्पल सी है और आर जो है ग्रोथ रेट है और इसको कह सकते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ रेट यह इलांगेशन पर यूनिट टाइम और ऐसा आपका स्लोप हो जाएगा टाइम टी पे जो है हम एल टी ग्रोथ अचीव कर लिया है आर की ग्रोथ रेट से फ्रॉम एल नॉट एल नॉट आपका इनिशियल था समझ में आ गया चलो यार एनाटमी फ्लावरिंग प्लांट भी करा दूंगा ठीक है चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब देखो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होती है मोस्ट ऑफ द सिस्टम में आपका इनिशियल ग्रोथ एनसीआरटी कहती है कि स्लो होता है लैग फेज होता है इंक्रीज करता है रैपिडली फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट आता है लॉग फेज एंड बाद में आपका क्या होता है एक आपका स्टेशनरी फेज आ जाता है जब लिमिटेड न्यूट्रिय सप्लाई होती है ठीक है हाँ क्योंकि जितना भी न्यूट्रियट था मीडियम में वो कंज्यूम कर लिया सेल्स ने ठीक है अब न्यूट्रिएंट्स जो हो गए लिमिटिंग फैक्टर हो गए स्टार्टिंग में तो आप क्या कर रहे हो साइटो का ग्रोथ वगैरह कर रहे हो लैग फेज में ठीक है धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हो ठीक उसके बाद आपका आता है एक्सपोनेंशियल फेज और उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा स्टेशनरी फेज ठीक है तो ऐसे आप ये देख सकते हो इसका एक्सप्लेशन यही है ठीक और ये चीज़ आपके आ, कोई भी आ, लाइफ का कोई भी आप स्किल एक्वायर कर रहे हो वो एकेडमिक स्किल हो एक्स्ट्रा एकेडमिक स्किल हो उस पर भी ये मैटर करता है ये एप्लीकेबल है ये चीज़ आप देखना आप जो पढ़ाई करना शुरू करोगे 2023 वाले हैं या वो स्टूडेंट अभी जो सोच रहे हैं ना कि ड्रॉप कर लेंगे एंड नेक्स्ट ईयर 2023 में अच्छा कर लेंगे कोई बात नहीं आप कर सकते हो ये चीज़ ठीक है इसमें कोई भी आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है आपको शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं ट्वेंटी में आपको अच्छा करना है ये ठान के चलो आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए ट्वेंटी के नीट के प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी वन कॉन्फिडेंस बूस्टर प्रोग्राम ठीक है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है आप वहाँ से गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए आपको जो मेरी टीम है कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपको एक्सेस दे देगी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बेसिक कोर्सेज का जो कि आपके इलेवंथ को स्ट्रेंथन करेगा ठीक है एंड आप उन लेक्चर्स को देख करके अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे ठीक है और 17 जुलाई को आप बहुत अच्छे पोजीशन पर होगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये करो कि यार आपके अगर मार्क्स नहीं इंप्रूव कर रहे हो ना वो भी लैग फेज़ में हो आपको समय लगेगा देर इज़ अ लैग बिफोर यू इम्प्रूव योर मार्क्स फिर आपका एक्सपोनशियली मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे जैसे मान लो आप टू हंड्रेड के मार्क्स पे थे आप थ्री हंड्रेड तक लैग में रहोगे वहीं पे फ्लक्चुएट करते जा रहे हो यहीं पे आप फ्लक्चुएट करते जा रहे हो करते जाओ फिर एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे और यहाँ से आप ना हो सकता है सिक्स हंड्रेड तक पहुँच जाओगे मेहनत करते रहो ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत करे आप यहाँ भाग जाओगे ठीक है आपको मेहनत करना पड़ेगा सिक्स हंड्रेड के मार्क्स पे पहुँचोगे उसके बाद से ना सैचुरेशन आएगा बहुत मेहनत करने पर भी एंड टाइम देने पर भी आप देख सकते हो बहुत टाइम और मेहनत देने पे भी आप कितना 600 से कहाँ तक पहुंच पाओगे मैक्स टू मैक्स आप 600 टू कितना 700 हंड्रेड पहुंच पाओगे उसके बाद तो लक पे डिपेंडेंट होता है कि आप 720 ट्वेंटी ले ठीक है तो ये चीज होता है इधर बहुत कम टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ इतना टाइम देने पर आप इतना ग्रोथ अचीव कर रहे हो अगर वर्टिकल एक्सेस पे देखो तो आप इतना अचीव कर पा रहे हो ठीक तो सबके पास ये एक्सपोनेंशियल फेज आता है लाइफ में बस उस समय तक के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी कम से कम उस फेज में एंटर करने के लिए और तुम समझ जाओगे कि तुम कब एंटर करने वाले हो तो पेशेंस के साथ मेहनत करो ठीक है बच्चे ठीक है चलो तो हम देख लेंगे यहाँ पे आ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बढ़ा दी सिग्मोइड कर्व है ये याद रखना है ठीक है ज्योमेट्रिक का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सप्रेस कर देंगे डब्ल्यू वन इक टू तो डब्ल्यू डॉट ई आर टी ठीक है डब्ल्यू वन ईक्ल्स टू तो डब्ल्यू डॉट ई आर टी ठीक है तो ये फाइनल साइज हो गया ये इनिशियल साइज हो गया ग्रोथ रेट हो गया जोमेट्रिक ग्रोथ रेट टाइम और ई तो आपका लॉग वाला डालेंगे यहाँ पे ठीक है सही है ऑल कूल समझ में आ रहा है सबको ठीक है यार कोई नहीं आ, कोई नहीं मजाक बना रहा होता है आपका ठीक है टेंशन मत लेना देखो एक सिंपल सा लॉजिक होता है एट्टी परसेंट ऑफ द बच्चा जो नीट में सेलेक्ट होता है वो क्या होता है ऑलमोस्ट ड्रॉपर होता है ये तो हम लोग ने अपने स्टार्ट में देखा है हम जो हमारे यहाँ से जो 1200 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं या फिर आप पास टू इयर्स में देख लो तो जो 2100 प्लस सेलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से वो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉपर होते हैं ठीक है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड ड्रॉपर वाला होता है ठीक तो है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं ड्रॉपर होते हैं बट हाँ जो टॉपर होते हैं उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट वाले होते हैं ये भी स्टार्ट याद रखना ठीक है मैं आपको मिसलीड नहीं कर रहा हूँ ठीक है आपको स्टार्ट बता रहा हूँ उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप क्या दिमाग में रखते हो ऐसा नहीं कि ड्रॉपर जो है टॉपर नहीं बनता है बनता है टॉपर पर कम चांसेस में बनता है ठीक है उसके भी अपने वैलिड रीजन्स है एंड पहले टाइम जो सेलेक्ट होते हैं वो फर्स्ट टाइमर कम होते हैं ड्रॉपर ज़्यादा होते हैं पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइमर वाला नहीं सेलेक्ट होता है हर साल आपने देखा है जो टॉपर होता है वो फर्स्ट टाइमर वाला होता है ठीक है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ठीक है तो टेंशन नहीं लेना है ठीक है आराम से पढ़ो एक साल का टाइम है आपके पास दस महीने का समय है और आप आराम से इन दस महीनों में टाइम यूज़ करके ना अगले साल नीट में फोड़ सकते हो तुम आराम से तुम सात सौ नंबर ला सकते हो अगर तुम तीन सौ पे भी हो बस कन्विक्शन चाहिए यार तुम ये मान के बैठ जाओगे कि यार तुम्हारा तो नहीं होने वाला तो नहीं होगा भाई तुम दूसरों की बात सुनोगे अपनी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता है और किसी को सुनना ही नहीं मैं तो इसलिए यार डे वन से कहता आया है अपने चैनल पे कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तुम आगे ये सोच रहे हो कि टॉपर आके बोल देगा तुम चार घंटे मेहनत करोगे और तुम जीत जाओगे छः घंटे मेहनत करोगे तुम अच्छा कर लोगे नहीं कंसिस्टेंटली तुम अगर छः घंटे मेहनत करो तो तब तुम अच्छा कर लोगे पर अगर कम अमाउंट ऑफ टाइम में तुम्हें अचीव करना है कोई चीज तो तुम्हें अपना पूरा विल पावर वर्क पावर एनर्जी जितना भी सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा ठीक है तुम्हें बहुत एफर्ट मारना होगा डेली बेसिस पे अगर तुम्हें कम टाइम में कुछ बड़ा अचीव करना है ठीक है तो आर जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट है यहाँ पे ठीक है और ये एफिशिएंसी इंडेक्स भी इसको रेफर किया जाता है ठीक है याद रखना एफिशिएंसी इंडेक्स भी होता है समझ में आया सब लोग को okay. तो इनिशियल साइज ये सारी चीज़ें हो गई सिग्मोइड का भी याद रखना हायर प्लांट्स और प्लांट ऑर्गन्स में आपको ये देखने को मिलता है ठीक है अब आ जाओ अब दो तरीके से हम मेजर कर रहे हैं ग्रोथ को ठीक है क्वांटिटेटिव जो है मेजरमेंट दो तरीके से हो सकता है एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ठीक है एक रिलेटिव ग्रोथ रेट ठीक तो कॉमन बेसिस पे अगर कर रहे है बेसिकली परसेंटेज निकाल रहे हो परसेंटेज में क्या कॉमन बेसिस लेते हो ना ठीक है तो पर यूनिट टाइम पे देख रहे हो कॉमन बेसिस पे तो वो आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा वे डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करके देख रहे तो हो तो आपसे होगा इसका एग्जाम्पल ले लेंगे दो प्लांट्स जैसे यहां पे एनसीआरटी ने एग्जाम्पल देखा है। ये टेन पे किया फाइव से फिफ्टी फाइव पे किया फिफ्टी से आपसे ग्रोथ रेट दोनों का क्या है फाइव है इसका भी फिफ्टी फाइव माइनस फाइव है बट जो इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट है इसका ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हुआ है क्योंकि टेन जो फाइनल फॉर्म माइनस इनिशियल फॉर्म अपॉन इनिशियल फॉर्म कितना ग्रोथ है इसका हंड्रेड परसेंट ग्रोथ है वेर इसका कितना है फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी अपॉन फिफ्टी इंटू हंड्रेड कितना होगा गया इसका इसका ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ टेन का ग्रोथ है समझ तो में आ गया ओके okay. आवाज़ आ रही है आवाज़ आ रही है? कोई कह रहा है आवाज़ नहीं आ रही है एम आई ऑडिबल यार ठीक है ओके आगे बढ़े चलो ये रखिए एक बच्चा भी पढ़ रहा है ना कायदे से तुम्हें पढ़ाऊंगा अच्छे से पढ़ाऊँगा ठीक है और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार तुम्हें अच्छा करना है एकेडमिक प्रोफेशन में तुम्हें कुछ परस्यू करना है करियर बनाना है एकेडमिक्स में तो मेहनत करनी पड़ेगी यार और ऐसा नहीं कि तुम मेहनत से बच जाओगे अगर किसी और प्रोफेशन में भाग जाते हो तुम ये सोच रहे हो अगर ये कह रहे हो ना तुम कि यार सही बात मतलब ये बात सही है कि अकेडमिक इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ पर अगर तुम इस इंटेंट uh, से कह रहे हो ये तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड ये थाट प्रोसेस है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत है बाकी में कम है तो यार याद रखना यहाँ पे जितनी मेहनत है ना उससे ज़्यादा मेहनत वहाँ पर भी होगी जिस तुम नए प्रोफेशन को अडॉप्ट करने आ लो तो एक क्रिकेटर बनना है वहाँ पे भी टॉप वन परसेंट में पहुँचने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में तुम खू मतलब भूख प्यास सब भूल जाओ सब क्रिकेट खेलो तभी जाके तुम शायद क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाओ वहाँ पे भी तुम्हारा पॉलिटिक्स और अप्रोच और ये ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क ठीक वैसे ही तुम्हारा तुम गेमिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो कहीं भी घुसना चाहते हो ठीक है कोडिंग में घुसना चाहते हो वेब डिजाइनिंग में घुसना चाहते हो तुम कहीं भी जाना चाहते हो डांस ड्रामा स्केट गिटार कहीं भी जाना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग सब में मेहनत लगेगी लगेगी तो अपना मेहनत करना ना सीख जाओ और ये जो तुम्हारे दो साल होते हैं ना ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए कह रहा हूँ एक साल जो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वाले और ये आने वाले दस दिन जो तुम ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले ये तुम्हें मेहनत करना सिखा देते हैं और मेहनत हर प्रोफेशन में लगने वाली है और तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना उसके बाद लाइफ सेट नहीं होगी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी इन द सेंस एक थोड़ी सिक्योरिटी आ जाएगी हाँ तुम्हारे पास कि हाँ तुम्हें डिग्री मिलने वाली है पर ये अगर सोच लोगे कि तुम एमबीएस में सेलेक्ट होने के बाद बिना मेहनत किए आगे निकल जाओगे तो ऐसा नहीं है बच्चे ठीक है जब मेहनत करना छोड़ दोगे तो तुम स्टेग्नेट हो जाओगे मन से हमेशा विद्यार्थी बने रहना अपन को ठीक है ओके चलो कंडीशन फॉर ग्रोथ एक्सटेंसिक होगी और इंटेंसिक होगी एक्सटेंसिक में आपका टर्जिडिटी इन्जाम एक्टिविटी प्रोटोप्लाजमिक सिंथेसिस आता है टेम्परेचर में आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर इंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्जाइमिक इन्जाइम वॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रियस माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रियस आपको वो कराते हैं मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं

चलो डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं ठीक है प्राइमरी मेरिस्टम जो है हम बात करेंगे तीन चीज़ों की डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन अच्छे से मैंने टेबल बना दिया यहाँ पर एनसीआर टी में ना बहुत फैला के लिखा है तो उसको ना मैंने पूरा इसको कन्वर्ट कर दिया है इस पेज पे इसके फॉर्मेट पर तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है आप जो मैं पी प्रोवाइड करूँगा ना इस लेक्चर के बाद उसी से आप फटाफट रिवाइज कर लेना अभी समझ लो ठीक है चुपचाप आँखें बंद करके ओके चलो तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा है किन चीज़ तुम डिफ्रेंशिएट करो तुम फिक्सट कर रहे हो एक ही एक्टिविटी पे ठीक है तो तुम जैसे मान लो क्लास के नहीं आओ बहुत लोगों को तुम यू नो अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास और उसमें से तुम एक पे फाइनली फिक्स कर गए तो तुम क्या कर गए डिफरेंशिएट गए प्राइमरी मेरिस्टम थे बहुत उछल कूद मचा रहे थे इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ बातें कर रहे थे उसके बाद तुमने फिक्स कर लिया अपने लाइफ में सबसे बात नहीं करूँगा ये हूँ मैं प्राइमरी मिनिस्टर सिर्फ एक से बात करनी है तुम डिफरेंशिएट करके तुम परमानेंट हो गए ठीक है यू आर यू हैव फिक्सटेड योर सेल्फ ऑन डूइंग वन थिंग ठीक है ओके ओके तो आप क्या किए प्राइमरी ऑर्गन बना लिए मेरिस्टमैटिक्स सेमनेंट सेल्स कैसे बनाए प्राइमरी ऑर्गन हो गए रूट्स टैम ली फ्लावर बना दिया टिश्यू मेंटेक्सपीथ आपका प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जयलम फ्लोएम एम मेडुलरी रेस ये आपने बना दिया ठीक है आप परमानेंट हो गए आप डिफरेंशिएट करके अब 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 यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है याद रखिएगा कि डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होती है कि आप परमानेंट सेल थे आप एक से एसोसिएटेड थे तो आप बोलते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में आई एम नॉट हैप्पी मेरे को बहुत लोगों से एसोसिएट होना तो आप क्या हो गए डी डिफरेंशिएट हो गए ठीक है डी डिफरेंशिएट हो गए ठीक है डी ने इस डी का काट दिया ठीक है तो आप वा, वापस से फूलने लग गए ठीक है तो आप सेकेंडरी मेरिस्टम बनते हो ठीक है पहली बार प्राइमरी थे आप फिक्स हुए आपने क्या बनाया परमानेंट सेल्स बना दिए अब वो वो परमानेंट सेल्स डी डिफ्रेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टम बना दिए सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या आएगा ठीक है आपका वैस्कुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम वूड मेरिस्टम भी आ जाता है ठीक अब ये चीज़ ना कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये जो मैंने डॉट बनाया ना प्लीज़ इस पर ध्यान देना ये तुम्हारा लाइफ ईजी कर देगा ये डॉट बहुत सिंप्लीफाई कर देता है पूरे कॉन्सेप्ट को इसके डिफरेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएट री डिफ्रेंशिएशन बहुत स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है तो ये डॉट ईजी कर देता है लाइफ आपकी ठीक है फिर आप सेकेंडरी मेरिस्टम पर आ जाओ अब सेकेंडरी मेरिस्टम क्या है ठीक है तुम बहुत इधर उधर फिर क्या इधर उधर तुमने क्या किया बहुत मूव किए बहुत लोगों का अट्रैक्ट किया बहुत लोगों के साथ रहे ठीक है पर तुम बोर हो जाते हो तुम लगता है लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए अब इतना इधर उधर मचा नहीं सकते हैं ठीक है थीके? तो अब तुमने फिर से एक और बंदे को पकड़ लिया पता तो है इसी पर मैं फिक्स करता हूँ ठीक है ओके तो एक बंदे पर फिक्स करते हो तो आप रीडिफरेंशिएट करके फिर से डिफरेंशिएट करके ठीक है तो सिंपल सी बात है यार डिफ्रेंसीशन का मीनिंग बस समझ जाओ इसमें तुमने डी लगा दिया तो तुम्हारा कट गया ठीक है ठीक है कटा तो नहीं वैसे तुम और हीरो ही बन गए ना बहुत लोगों का वैल्यू मिल रहा है पर हाँ तो डी ने डी का काट दिया बट वही अगर डिफरेंशिएशन वर्ड तुम समझ गए उस पर री कर दिए ठीक है तो मतलब तुम कहीं डी डिफ्रेंशिएट हो गए तभी फिर री किया होगा ना ठीक है तो यहां पे सेकेंडरी मेरिस्टम जो है ना जो डी डीडिफरेंशिएट होता है अब रीडेफरेंशियट हो जाएगा किसमें में सेल्स में फिर से ये देखो पर्मोनेंट सेल्स फिर से कन्वर्ट हो गया पर अब ये कौन से होंगे यहां था प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे क्या होगा सेकेंडरी ठीक है ये कॉर्क कैम्बियम था कॉर्क कैम्बियम क्या बनाएगा कॉर्क बनाएगा कॉर्कॉम फिल्म कहते हैं ठीक है अब आ, यहाँ पे तुम्हारा कॉर्टेक्स था ठीक है हम क्या कहेंगे कॉर्क कैम्बियम से आपने पढ़ा होगा उधर मोर्फोलॉजी वाले जो चैप्टर से उसमें कि फेलोडर्म होता है आपका कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स जो कॉर्क का जो कॉर्टेक्स होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कॉर्क से आपका कॉर्क कैम्बियम बनाता है वो फेलोडर्म हो गया ठीक है फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी आते हैं आपके इसमें ठीक है समझ में ठीक है तो डी डिफरेंशिएशन आपका कभी भी क्या कर रहा है परमानेंट सेल नहीं बनाता है परमानेंट सेल को आपको मेरिस्टम सेल में कन्वर्ट कर सेकेंडरी मेरिस्टम तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ओपन हो गया और लोकेशन बेस्ड मैंने पहले भी आपको बताया था सही है कि नहीं ये बात डिफ्रेंसिएशन क्या है क्या है डिफरेंसिएशन ओपन है और लोकेशन बेस्ड है और सेल्स जो है फ्रॉम द रूट ऑपकल मेरिस्टम जो ये एक्जाम्पल देखें हैं सीआर टी में रूट कैप बनाते हैं कुछ एपिडर्मिस बनाते हैं जो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं रूट ऑफकल मिसिस्टम रूट ऑफकल मिसिस्टम यहाँ पे तो जो यहाँ पे सेल चले गए माइग्रेट किए वो क्या बनाती है रूट कैप सेल कैप फॉर्म है और जो और माइग्रेट करके लैटरली जैसे मान लो यहाँ से सेल यहाँ चले जाता है वो क्या बनाएगा एपिडर्मिस बनाएगा ठीक है सरफेस ऑफ द प्लांट बना देगा तो ये हो गया तो परमानेंट सेल्स जो है कौन बना रहा है परमानेंट कैसे हो रहे हो तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो या फिर डिफ्रेंशिएशन से पहले रीडिफ्रेंशिएशन वाला आ रही तुमने लगा दिया डिफ्रेंसिएशन वर्ड से पहले प्रीफिक्स कर दिया तो तुमने क्या किया डिफ्रेंसिएशन है री डिफ्रेंशिएशन परमानेंट सेल बनाते हो बज मेरे सेल मेरा सेल गया तो वो प्राइमरी पहले से ही हो सकता है ठीक है बाय बर्थ वो मेरे सेल था पर उसको तो अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया तुमने तो तुम्हें डी डिफ्रेंशिएट करके उसको फिर से सेकेंडरी मेरे में कन्वर्ट करना होगा तो मेरे सेल्स इन टोटो हम बात करें तो प्राइमरी हो सकते हैं वो या फिर डी डिफ्रेंशिएशन से तुमने सेकेंडरी मिस्टोमैटिक सेल बना दिए ठीक है समझ में आ रहा है ठीक है ओके आगे बढ़े चलो अब ये वाली चीज़ तुम्हारी पूरी आ, मैंने कवर कर दिया अब ये रीड कर सकते हो ठीक है ये वाला पार्ट अपना मार्क कर लो इसको रीड करना है आपको ठीक है जैसे यहाँ पे दे रखा है ट्रेक्री एलिमेंट्स जो होते हैं सेल जो है उसको आप प्रोटोपलाज लूज करेगा वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलोजिक सेकेंडरी सेकेंडरी सेल वाला आ गया जो कैरी करेगा वाटर लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन ठीक है तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन का एग्जाम्पल देखो तो ये कैसे किस चीज़ का एग्जाम्पल डिफ्रेंसीिएशन का डिफ्रेंसीशन में आपका सेल वॉल और प्रोटोप्लाज में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं वो भी फ्यू टू मेजर हो सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस ठीक है अब आगे आओ डी डिफ्रेंसीेशन में इंटरफेस्कुलर कैम्बियम को और कैम्बियम का दे रखा है जो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड पैरेंकैमल सेल से आ रहे हैं जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया ठीक है उसके बाद री डिफ्रेंसीेशन को आपको समझा रखा है वो मैंने आपको समझा दिया तो आपको वो ना बस टेबल uh, देख लेनी है आपका काम बन जाएगा ठीक है आपको समझ में आ रहा है आ, दे, दे रखा है डिफ्रेंशिएशन प्लांट इज ओपन सेम स्टैम डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन ठीक है रूट ऑफकल एंड रूट कैप्सल रूट ऑफकल मेरे रूट कैप्सल और पेरीफरी में जाके वो एपिडर्मिस बनाते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया ये सारी चीज़ें ठीक है यार आ, तुम फिर से देख लेना चीज़ें ठीक है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये मिल जाएंगी आप रिपीट कर सकते हो अब पीछे स्क्रॉल करके चल जाओ फिर से देख लो चीज़ें लाइव अभी पूरा मैं तो कहूँगा अटेंड कर लो बाद में रि, रिकॉर्डेड पूरा सेशन अटेंड कर लेना एक बार फिर से ठीक है तो यार ये याद रखना कि अभी मेरे को नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है चीज़ें क्योंकि वो रिवाइज कर रखे हैं चीज़ें पढ़ रखे हैं उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो उनके लिए जल्दी जल्दी चीज़ें मेरे को कंप्लीट करानी है ठीक है ओके okay. ये क्लास अभी हम चलाएंगे एट ओ तक या एट फिफ्टीन तक भी चल सकती है क्लास ठीक है ओके okay. तो आ, इसके बाद अभी हमारा काफ़ी बचा हुआ है यार काफ़ी बचा हुआ है चीज़ें ठीक है ठीके? हमें फटाफट कंप्लीट करना होगा वरना बहुत टाइम चला जाएगा इस चैप्टर पे ओके okay. आगे बढ़े चलो डेवलपमेंट क्या होता है सभी चेंजेस को इंक्लूड करता है जैसे सेल डिवीजन सेल इोंगेशन मैचूरेशन सेन्स सब कुछ आ जाएगा ठीक है और इसमें डिस्क्राइब रखा है जर्मिनेशन टू ऑफ सीड टू से सब कुछ जो भी है डेवलपमेंट में काउंट होता है ठीक है टिश्यू ऑर्गन को भी एप्लीकेबल होता है ये सब याद रखना सेल के लिए नहीं सिर्फ एप्लीकेबल सेल का एग्जाम्पल दिया इसका मतलब तो ये नहीं कि सेल के लिए एप्लीकेबल है यह सभी टिश्यू ऑर्गन के लिए एप्लीकेबल होता है द वर्ड डेवलपमेंट ठीक है आ जाओ अब ये चीज़ आपको याद करनी है यार देखो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो चीज़ों को ऐसे समझो जो मैंने अभी समझाया था आपको मेरे मेरिस्ट, मेरिस्टमैटिक सेल थी ठीक है प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है वो ग्रो की ग्रो करने के बाद सेल जब बड़ा होता है क्या होता है जैसे आपको याद है इलॉन्गेशन वाला जोन होता था मैच्येशन वाला जोन है तो वैसे क्या हुआ जो मेरिस्टमैटिक सेल जब थोड़ी बड़ी होगी वो डिवाइड करेगी ठीक है और मैस्टोमेटिक सेल्स बने फिर उसमें से एक जो है डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और एक सेल तुम्हारा क्या होता था डिवाइड करता रहता है ठीक है तो वैसे ही आप देख सकते हो कि यह कंटिन्यूअसली एन सी आर टी थोड़ा बेकार है डायग्राम दिया है एडमिटेड बट आप याद रखो बेसिक प्रोसेसेस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए अगर ये डायग्राम आता है तो आपका ग्रो करके तो सेल डिविजन हो गया और कुछ सेल जो है आगे बढ़ के डिफ्रेंशिएट करके और वो बन बना दे रहे हैं क्या मेच्योर सेल्स अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ तुम ये ये बना लो एरोस तुम्हारे लिए ना चीज़ें आसान हो जाएंगी प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब एक्सपेंशन इलॉगेशन हो रहा है डिफ्रेंशिएशन मतलब मैच्योरेशन हो रहा है तो वही सारी चीज़ें हो रही है मेरेमेटिक सेल्स में ठीक है ये एक्सपेंशन इलॉन्गेशन किया प्लाज्मेटिक ग्रोथ दिखाया और ये सेल डिवाइड कर गया ठीक है या तो क्या हुआ ये सेल जो है डिफ्रेंशिएट कर गया उसको क्या कहते हैं मैच्योरेशन तो ये मेच्योर सेल बन गया और फिर सेल जो है कुछ समय बाद डाइज आउट ठीक है इट विल डाई आउट डेथ हो जाएगी सेल की और ये मेच्योर सेल जो है पीछे भी जा सकता है मेरिस्मैटिक सेल में फिर से कन्वर्ट कर सकता है इसको क्या कहते हैं डी 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 एल जे नहीं डी डी एल जे नहीं है ये आपका डी डी है सही है समझ में आ रहा है सबको हेलो आवाज आ रही है ओके okay. कूल cool. चलो आगे बढ़े ओके okay. जल्दी से अपने आसपास जितने लोग हैं उनको बुला लो ठीक है अब इन्वामेंटल फेज एंड डिफरेंट सॉरी एनवामेंट एज वेल एज फेज के हिसाब से डिफरेंट पाथ आपका प्लांट फॉलो करता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको क्या कहते हैं प्लास्टिक सिटी ठीक है city, अब इसके लिए मैंने क्या बनाया ये डायग्राम बनाया ठीक है जैसे हीट्रोफिली जो है कॉटन कोरिएंडर और लाक्सपर में देखने को मिलती है तो कौन कौन से एग्जाम्पल है ये कॉटन का बॉल है वाइट कलर का वाइट का बनाता तो दिखता है नहीं तो मैं इसलिए ग्रे कलर का बना दिया उस पर कोरियांडर पत्ते मैंने रख दिए इमेजिन कर सकते हो तुम्हें तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं तुम बस इमेजिन करो कॉटन बॉल जो होता है ना कॉटन बुल ठीक है तो उस पर तुमने क्या धनिया छिड़क दिया और उसमें से थोड़े स्पर्श निकाल दिया ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के पानी का लेकर के तुम्हें ऐसे बना दी तो स्पर है तो लार्क स्पर कोरिएंडर और ये कॉटन ठीक है ठीक है ओके okay. चलो अब यहाँ पर हम दो टाइप की चीज़ें देखेंगे एक तो है हीड्रोफिली जो है जैसे लाक्स पर मैं, तो में फेज के बेसिस में डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट होते हैं जैसे जुवेनाइल और एडल्ट दो फेजेस ऑफ लाइफ है यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट आपके लीव्स देखने को मिल रहा है वेर एज बटर कप जिसको रैनुकुलस भी कहते हैं रैनकुलस लिख लो यार प्लीज़ ये तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा रैनुकुलस में बोला जाएगा और तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इन्वामेंटल है या फेजल है ठीक है तो वाटर कप जो तो रैनकुलस है रैनकुलस में आपका इन्वायरमेंटल एट्रोफीली देखने को मिलती है टेरिस्ट्रियल हैबिट में ऐसे होंगे बड़े बड़े पत्ते होंगे और वाटर हैबिट में कैसे होंगे पत्ते कैसे याद करोगे कि वाटर हैबिट में क्योंकि वाटर स्ट्रीम में उसको ऐसे क्या करना है अपना बह आ जाए पानी के साथ तो उसको अपना ऐसे कट करके रहता है ठीक है तो ये आराम से इट कैन मियाडर थ्रू द स्ट्रीम ऑफ वाटर ठीक है आप बटर कप कैसे याद कर सकते हो फ्लोट कर रहा है वाटर बटर कप वाटर में तो आपका ये एग्जाम्पल हो गया क्या कि वाटर इन्वायमेंटल हीटरफिली शो कर रहा है बटर कप बटर है पानी में तो तैरेगा ही बटर विल फ्लोट इन वाटर राइट डेंसिटी कम होती है तो ये क्या हो गया इन्वामेंटल हीट्रोफिली का एग्जाम्पल ठीक है ठीक है समझ में आ गया सबको चलो आगे बढ़े आ जाओ अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं सबका मेरे को ध्यान अटेंशन चाहिए यहाँ पे ठीक है सबका ध्यान अटेंशन मेरे को चाहिए ठीक है सब रेडी हो थम्स थम्सअप देना फ़टाफट थम्सअप 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 दे दो चलो तो ग्रोथ डिफ्रेंसीशन और डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड होते हैं ये मार्क कर लो ठीक है ऐसे स्टेटमेंट्स निकल सकते हैं तुम्हारे लिए तुम्हें तो मालूम है डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डिफ्रेंसीशन का कॉम्बो होता है ये लिख लो मार्क कर लो ठीक है अब डेवलपमेंट जो होती है प्लान जो कि ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए जो एक टेबल टाइप का बना दिया था वहाँ पे देखोगे कि इंटरनसिक एक्सटेंसिव फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है इंटरनसिक में तुम्हारा इंटरसल जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और इंटर जो फैक्टर्स होते हैं जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं वो गवर्न कर रहे होते हैं प्लांट की ग्रोथ को वो इंटेंसिक फैक्टर्स होते हैं फिर आपके कुछ एक्सटेंसिक फैक्टर्स होते हैं एक्सटेंसिक फैक्टर्स तुम्हारे लाइट हो गए टेम्परेचर वाटर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में आपका माइक्रो माइक्रो आ गए ठीक है या बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ लोग पढ़ लो जरूरी है ठीक है इंपॉर्टेंट चीज़ है है? चलो अब आ जाओ यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार प्लीज 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 ये लाइन एकदम मार्क कर लो इस पर बहुत बार तुम्हें सवाल दिखेगा अपने टेस्ट पेपर्स में मेरे टेस्ट पेपर्स में कि आपको स्मॉल सिंपल और डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं सिंपल होते हैं दूसरे हमें क्या लगता है कि हॉर्मोन्स है रेगुलेटर्स हैं तो कॉम्प्लेक्स होंगे बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे और डाइवर्स हम सोच लेंगे पर हम क्या उसको क्लब कर देते हैं स्मॉल और कॉम्प्लेक्स के साथ जबकि ये स्मॉल और सिंपल ठीक है लार्ज और कॉम्प्लेक्स सोच लेते हैं हम ठीक है सो so, अब यहाँ पे आ जाओ ये चीज़ मैंने आगे भी समराइज़ कर दी है पर यहाँ पे देख लो एक बार कि इंडोल थ्री एसिडिकसिड आई ए ए ये तुम्हारा क्या आता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से आता है और ये क्या बनाएगा आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन है इंडोल एसिडिक एसिड ये इतने बार है ही होगा और क्या होगा ठीक है एडनीन डेरिवेटिव एडनीन जो है अब देखो मैंने काइनेटिन या साइटोकाइनिन जो होता है एडनीन डेरिवेटिव होता है अब काइनेटिन साइटोकैनिन फटाफट डिवाइड कर रहा है ठीक है और डिवीजन के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें डीएनए चाहिए होता है डी एन ए अगर डिवाइड नहीं करेगा तो कैसे डिवीजन होगा तो तुम्हें वहाँ पे एडनीन चाहिए होगा प्योरीन है वो ठीक है और फटाफट डिवाइड कर रहा है क्या कर रहा है फटाफट डिवाइड कर रहा है फटाफट डिवाइड कर रहा है एंड देयरफॉर फो फरफराइल अमीनो एन सिक्स फरफराइल अमीनो प्योरीन फटाफट ऐसे फटाफट अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए डीएनए चाहिए डीएनए के लिए बनाने के लिए प्यूरिन प्यूरिन में एडिनिन तो एडिनिन ही एक एग्जाम्पल है ठीक है यहाँ पे एडिनिन गुआनिन तो कहाँ नहीं है कोई गुआनिन डेरिवेटिव है तो तुम्हें मालूम है कि डीएनए का कोई अगर प्यूरिन का नाम दे दे रहा है तो मतलब हमें किसके पास जाना है हमें काइनेटिन के पास जाना है के पास ठीक है ठीक है ठीक है ओके बढ़िया और कूल अब आ जाओ फिर कैरोटेनॉइड, ठीक है एप्सिक एसिड ए और सी है इसमें ए और सी यहां भी है हो गया कैरोटेनॉइड, ठीक है ऐसे फिर टर्पिन टर्पींस आपको याद करना है जीटी, जीटी, जो है गिबरेली एसिड टर्पींस ठीक है और गैस होता है इथाइलिन तो गैस होता है कहाँ से आता है मिथोनिन से आता है सही है चलो आप यहाँ तक एक बार फटाक से रिवाइज करो मैं एक मिनट में आता हूँ कोई आया है एक मिनट में मैं आता हूँ ठीक है यार सेटअप डिस्टर्ब ना हो जाए बस यही डर लगा रहता है मुश्किल से सेटअप होती हैं चीज़ें कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है ठीक है मैं आता हूँ एक मिनट आता हूँ ठीक है भगवान जी बैठे हैं पाप लगेगा पढ़ ले ठीक है शरारत नहीं करनी कुछ भी अंधेरा कायम रहे हेलो चलो आई एम बैक काम बता दिया मैंने पढ़े हैं आप इन लोगों पढ़ने लिखने का मन तो करता नहीं है कोई नहीं जिनको मन करता है उनको पढ़ा देता हूँ मैं ठीक है इतने महंगे माई को सेटअप मैंने बनाया है अच्छे से तुम लोग हो होगी पढ़ते नहीं हो यार ठीक है रेडी लेट कंटिन्यू लेटेस्ट लेटस्ट लेटेस्ट बताओ कहाँ आता है लेटेस्ट हमने कहाँ पढ़ा है बताओ जो मेरे साथ पढ़े हैं पिछला लेक्चर वो बताओ लेटेस्ट हमने कहाँ वर्ड यूज़ किया है लेटेस्ट नहीं लेटूस लेटस लेट्यूस plant कमर्शियल प्रोडक्शन लेट्यूस प्लांट का होता है राइट right? हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू एक पल्टी मत मारो जैसे आईपैड मार रहा है अभी ठीक है चलो ओके चलो आगे बढ़े वेरी गुड प्रियंका मनीषा निधि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं आ, तो पीजीआर जो है ब्रॉडली दो ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं एक ग्रोथ प्रोमोटिंग होते हैं ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं ग्रोथ इनिबिट करते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स में ऑक्सिन गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन डाल देते हैं वेर एस आपका स्ट्रेस ए बायोटिक और बायोटिक ओरिजिन का हो या रिस्पॉन्स टू बूंद के लिए आपका क्या होता है ग्रोथ इनिबिट्री आपका वो हार्मोन होता है? So, हो है जो कि डॉमेंसी एप्सीजन को प्रमोट करता है इसको एप्सिसिक एसिड कहते हैं एप्सीजन करा लेपिसिक एसिड ही डाउन होगा राइट ठीक है सो एक आपका हार्मोन एक और हो जाता है जो कि गैशेस है ये अब थाइलिन जो है कैसे याद रखोगी कि ये दोनों डोमेन में वर्क कर रहे तो अगर प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग एक प्रोमोटिंग है और एक इनिबिटिंग है ठीक है तो ये गैस जो है ना पूरा डिफ्यूज कर जाएगा ठीक है डिफ्यूज कर गया पर ज्यादा होता है राधे देन पर ये दोनों ग्रुप को बिलोंग करता है ठीक है विश्वेश भारद्वाज भैया ओपी आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे तो ये वाला एग्जाम्पल आप सभी जानते हो कोलिपटाइल है उसको डीकैपिटेट कर देते हैं हम पहले आ, सन से एक्सपोज किया ठीक है वो उधर बेंड कर जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन जो है कुछ पी आपके एक्मलेट हुए होंगे सेल को लूज़ कर देंगे वहाँ से ठीक है सेल को यहाँ के जो सेल्स होंगे उनके कनेक्शन को वो लूज़ करेंगे ठीक है यहाँ के टाइट है कनेक्शंस ठीक है यहाँ के लूज हो गए इसकी वजह से इधर बेंड कर गया ठीक है इसको जब डीकैपिटेट किया तो हमने क्या किया ठीक है डीकैपिटेट किया तो हमें आ, कोई भी मूवमेंट नहीं मिली यहां पे बेंड कर रहा था यहां पे कोई भी बेंड नहीं कर रहा ये सीधा खड़ा एक है एकदम सख्त है सख्त लौंडा ये पिघल गया ठीक है ये बेंड कर गया जैसे ही आ, सुंदर कन्या आई जो कि ब्रिलियंस इंटेलिजेंस रेडिएट कर रही थी यह क्या हो गया पिघल गया और इधर वाला जब पिघला और इधर वाला भले ही सख्त था यह इधर बेंड कर गया जबकि ये जो है सख्त रहा ठीक है इस क्योंकि इसका ये तो दिल से सोच ही नहीं पा रहा इसका दिल गायब कर दिया हमने ठीक है दिल से नहीं सोच पा रहा है ठीक है so, सो अब हमने क्या किया यहाँ पे एक ये अटैच कर दिया इसको जब हमने प्लांट पे अटैच किया तो फिर ये इधर मूव करने लग गया ठीक है डायरेक्शन और लाइट में जब हम लोग ने अगार पर इसको टैप कर लिया टैप कर लिया इन द सेंस इसको ऑप्टेन कर लिया उससे ठीक है अब ये सारी डिस्कवरी क्या थी एक्सीडेंटल थी एंड जब फोटो ट्रॉपिज्म पढ़ रहा था चार्ल्स डार्विन जी एंड उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन ठीक है तो उसने फ्रांसिस डार्विन तो था लड़का लड़का क्या था एक बार बना देखा कि पिघल पिघलने पे क्या होता है और एक बार सख्त बनने पे क्या होता है ठीक है ठीक है सो कैनरी ग्लास का कोलिपटाइल uh, जो होता है उसने ऑब्जर्व किया गया था कि यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन पे ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट्स उसको फोटोट्रॉपिजम कहते हैं ठीक है थीके?

ठीक है आगे बढ़े समझ में आगे सबको ठीक है चलो ठीक है अब आ जाओ बकाने हो गया फुलिश सीडलिंग डिजीज राइस सीडलिंग की होती है फंगल पैथोजन गिबरेला फ्यूजिकुरा इसको किसने ढूंढा ई कुरोसावा को नाइनटीन में ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम कुरोसावा कुरोसावा जो है उसने बेसिकली क्या नोटिस किया था कि राइस सीडलिंग पे की एक डिजीज़ होती है आपके बकाने बकाने मतलब बकबक कर रहा है फुलिश है फुलश सीडलिंग डिजीज़ है एफ ए फुलश वो फंगल पैथोजन है गिबरेला फुजिकोराय ठीक है थीके? वो कॉज कर रहा था ये डिजीज़ एंड Uh, जब अगर तुम स्टेराइल फिल्ट्रेट लेते हो इस फंग, फंगस के इस फंगस को तुमने ऑप्टेन uh, किया ठीक है तो uh, उस उस स्टेराइल फिल्ट्रेट में आपको क्या दिखा गिब्रेलिक एसिड देखा ठीक है ठीक है राइस सीडलिंग को जब तुमने ट्रीट किया ना इस फंगस से तो क्योंकि उस फंगाई में गिब्रेला फुजिकाई में गिब्रेलिक एसिड था एज द नेम सजेस्ट वो हमें डिजीज देखने को मिला ठीक है सही चल रहा है सब बढ़िया चलो अब आ जाओ ये बड़े अच्छे तरीके से हम याद करेंगे स्कूग है ठीक है स्कूग ने क्या किया था कैलस यूज किया मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होता है कैलस ठीक है अब टोबैको जो है इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तो टोबैको स्टेम टोबैको तो उसने यूज़ किया देखो पूछेगा तो टोबैको के बारे में पूछेगा उसका स्टेम लिया लीफ लिया ये सब लिया वो उसके बारे में नहीं पूछेगा ठीक है तो टोबैको का एफ स्कूग ने क्या किया सैंपल लिया एंड उसमें देखा कि उसका जो कैलस है टेम का जो कैलस है वो तभी प्रोलिफ्रेट कर रहा है जब जब ऑक्सीजन के अलावा न्यूट्रिय मीडियम में एक और कोई चीज है जो कि वैस्कुलर टिश्यू हो सकती है ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है कोकोनट मिल्क या फिर डी ये होगा ठीक है और बाद में मिलर ने आइडेंटिफाई किया क्रिस्टलाइज साइटो काइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दे टर्म काइनेटिन ठीक है अब अब इधर देख लो तुम इसको कैसे याद करोगे ये पूछता है कौन कौन से सब्सटेंस को ऐड करने पे ऑक्सीजन के साथ आपको आ, सेल डिवीजन देखने को मिल सकता है अभी हम पढ़ेंगे सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी के बारे में जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि यार सेल डिवीजन के लिए ना सेल इलॉन्गेशन चाहिए होता है सेल इलॉन्गेट किया उसके बाद उसका डिवीज़न चाहिए होता है तो सेल इलॉन्गेशन पर ऑक्सीजन हेल्प करेगा और डिवीजन में उसको डिवाइड करने में आपका काइनेटिन और साइटो तुम्हारे तुम्हारा जो काइनेटन वो हेल्प करेगा स्कूप क्या करेंगे हम ऐसे याद करेंगे कि आपका ये वो है कोकोनट वाटर कोकोनट का आता है ना ठीक है कोकोनट Uh, क्या बोलते हैं कोकोनट जिसको छील देते हैं ठीक है जिसमें पानी भरा होता है ठीक है उसमें तुमने स्ट्रॉ डाला और तुम शक्क कर रहे हो स्कूग ठीक है और उसको ऐसे फेंटते हो राइट मिला लिया तो स्कूग एंड मिलर हो गए ठीक है कोकोनट वाटर को तुमने ऐसे मिक्स किया उसमें क्या है तुम्हारे डी एन है तुम्हारे पास वास्कुलर टिश्यू है तुम्हारे पास ई सेल्स हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें याद रह जाएगा कि हाँ ठीक है ऑक्सीजन के अलावा ये सारी चीज़ें चाहिए या तो तुम्हें कोकोनट वाटर चाहिए कोकोनट मिल्क चाहिए ठीक है याद रखना कोकोनट मिल्क वाटर नहीं ठीक है ऐसा आप याद कर सकते हो ठीक है समझ में आ गया चलो अब तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च हुए इनिबिटर बी एबसिस टू और डॉर्मेंट मिला है तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च में इंडिपेंडेंट ये पूछता है तीन इंडिपेंडेंट रिसर्च ठीक है उसको नाम दे दिया फाइनली आपसे एसिड को ठीक है अब फिर आ जाओ फिर कजिन्स हैं कजिन्स ने क्या देखा कि इथाइलिन है ठीक है कजिन तुम कैसे याद करोगे कजिन ने इथाइलिन ढूंढा इथाइलिन में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है डबल ई आता है ठीक है डबल डबल है तो कज़न्स होंगे डबल एच है तो तुम ऐसे आराम से बता सकते हो कि हाँ भाई कोई वो साइंटिस्ट जिसमें डबल एच हो या कजन हो कज़न मतलब भाई बहन है दो दो लोग हैं कपल में हैं तो क्या हो जाएगा उसमें दो चीज़ें इन्वाल्व है कि राइपेंड ऑरेंज का जो है वॉल्टाइल सबसे एक्ट कर रहा है अनराइपेंड बनानस पे और वो कौन सा है वॉल्टाइल सबसे वो एथाइलीन है ठीक है हो गया रेडी ठीक है अब हां अब जाओ फटाफट ऑक्सीन की बात करते हैं ऑक्सीजन का सारा फंक्शन ना मैंने यहां पे इस डायग्राम में एनोटेट कर दिया ये डायग्राम बस तुम्हें चाहिए ऑक्सीजन का सारा फंक्शन नोट करने के लिए ठीक है रेडी ठीक है ठीक है वो देखते हैं अभी काइनेटिन कैसे मिला यार ठीक है काइनेटिन कैसे मिला अभी बताता हूं मैं ठीक बायो ऐसे याद करना है देखो सबका बायो ऐसे सबका याद करना तुम्हें ऑक्जीन का अवीना कोलिप्टाइल टेस्ट ये जो अभी कोलिप्टाइल देखा ना तुमने कैंड ग्लास वाला वो 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 अवीना कोलिप्टाइल टेस्ट ही तुम परफॉर्म कर करो और वो फोटोपेरियाडिजम पे बेस्ड है कि देखो होता क्या ना यार तुम्हें मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ ठीक है तो ये अगर अवीना है जो बेंड कर रही है लाइट की तरफ वो क्यों कर रही है इसका कोलिपटाइल क्यों कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ठीक है जहाँ पे डार्कनेस है ठीक है वहाँ पे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे लाइट है तो ये क्या होगा ये डार्क एरिया ठीक और ये क्या है ये वेल लिट एरिया है ठीक ये वेल लिट एरिया है ठीक तो यहाँ पे जो डार्क एरिया है ना यहाँ पे तुम्हारा कुछ सब्सटेंस जो है माइग्रेट करेगा वो सब्सटेंस माइग्रेट किया वो सेल वो सेल को लूज़ कर दिया सेल बड़े जो लूज हो गए उनके कनेक्शंस लूज़ होंगे जिसकी वजह से ये ये वाला साइड जो है ठीक है पहले ऐसे था ठीक है ये दोनों साइड यहाँ पे लाइट पड़ी यहाँ पे लाइट आई ठीक है थीके? अब ये वाला साइड लूज हो गया वहां पे ऑक्सीजन गया होगा और ये ऐसा हो गया ठीक है ये लूज हो गया तो ये बेंड कर जाएगा ये वाला टाइट है इसको खींचेगा ये ऐसे फोटो ट्रॉपिज्म शो कर रहा है ये साइड बेंड कर गया समझ में आ गया सबको चलो बढ़िया बायो ऐसे मतलब क्या होता है यार बायो ऐसे मतलब क्या होता है ना तुम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो जिससे पता कर रहा है कि तुम एक पर्टिकुलर हार्मोन का रोल क्या है तुम्हें बायो ऐसे से क्या पता चलता है तुम लिख लो एक तो तुम्हें रोल पता चलता है और कंसंट्रेशन पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन पे वो रोल परफॉर्म कर रहा है कोई पर्टिकुलर हार्मोन समझ में आ गया ठीक है थैंक यू जिया पठान ठीक है अभी यार जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सत्य मान करके याद कर लो ठीक है अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ सब कुछ डिटेल में पढ़ो ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वाले बस इतना टाइम होता आगे है आगे बढ़ते एफ डब्ल्यू वेंट ने इसको डिस्कवर किया जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था एफ डब्लू वेंट था ओड सीडलिंग में डिस्कवर किया था ऑक्सीजन पे ठीक है अब आ जाओ ऑक्सीजन कहां से पहले बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से यू है ऑक्सीजन में ही यू है ह्यूमन यूरिन ऐसे याद कर लो तुम बस ना शॉर्ट फॉर्म में किसी तरह याद कर लो ये सारी चीज़ें घोट के चले जाओ ठीक है सारा टाइम तुम्हें क्या करना फिजिक्स केमिस्ट्री को देना बाकी ठीक है हाँ और स्पॉम् से तुम्हारा आएगा अभी हेरिंग स्पॉम डी से तुम्हारा आएगा तुम्हारा देखना कैनेटेड ठीक अब इंडोल थ्री एसिटिक एसिड हो गया ठीक है और यहाँ पे तुम आ, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है ग्रोइंग एपाइसिस अभी हम लोगों ने देखा कोलेपट्टाइल में अवीना कोलेप्टाइल टेस्ट में ग्रोइंग एपाइसिस जो है ना स्टेम का एंड रूट का ठीक है वो माइग्रेट करता है टू द रीजन ऑफ द रैक्शन वो एक्ट कर रहा है डार्क साइड पर ठीक है ऑक्सीजन लाइक आई और आई ठीक है वो प्लांट से ऑप्टेन किया है और एन ए ए नार्थिलीन बॉल्स होते हैं ठीक है वो सिंथेटिक होते हैं ना ठीक तो वो सिंथेटिक होगा और ये तो नाम ही इतना बड़ा सा है टू फोर डी डाए क्लोरोफिन ऑक्सी एसिड जो है सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है ठीक है टू फोर डी और एन एन ए जो है तुम्हारा ये हो गया सिंथेटिक ये हो गया ये दोनों आई ए और आई बी ए जो है, थीक है? थीक है? तुम्हारा नेचुरल हो गया ठीक है ठीक है समझ में आ रहा है सबको ठीक है आगे बढ़ते है, अब ये सारा पैराग्राफ तुम पढ़ोगे ठीक है और पर फाइनली तुम क्या फाइंड करोगे यही उसकी समरी है तो इस विजुअल निमोनी के थ्रू पूरा पैराग्राफ याद कर सकते हो इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी याद कर पाओगे ठीक है अब तब तुम्हें फटाफट समझा देता हूँ ये डायग्राम में क्या है डायग्राम दिख रहा है अच्छे से ठीक है हाँ आ जाओ देखो पहली चीज़ ये ए मैंने बना दिया ये डिटरमाइन कर रहा है कि आपकल डोमिनेंस और ऑक्सिन प्ले कर रहा है रोल आपकल डोमिनेंस में इसलिए जब तुम इसको कट कर देते हो ठीक है तो हेज मेकिंग एज वेल एज टी प्लांटेशन में यूज़ होता है ठीक है तुम देख रहे हो साइड में तुम्हारे हेजेस निकल रहे हैं हेज मेकिंग में क्या होता है साइड लैटरल लैटरल ग्रोथ होती है ठीक है तो आपको डोमिनेंस में रोल प्ले कर रहा था इसलिए हटा दिया तो क्या हो गया हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में इसको कमर्शियली हम यूज़ कर रहे हैं ठीक उसके बाद क्या है तुमने एक टोमेटो बना दिया टोमेटो कैसे बनाया रेड कलर का है और उसमें तुमने ऐसे 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 बना दिया ये टोमेटो जैसे लग रहा है ये टोमेटो है ठीक है उसके बाद तुम्हें पाइनएप्पल में फ़्लावर पाइनएप्पल लिख दो और फ्लावरिंग ये इमेजिन करना है तुम्हें ठीक है ठीक है तुम देखोगे यहाँ तो क्या दे रखा है पाइनप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है ठीक है अभी टोमेटो वाला भी चीज़ तुम्हें दिखा देता हूँ मैं तसली तो मिल जाएगी यार तुम्हें तो मानोगे नहीं पार्थिनो कार्पी टोमेटो में ठीक है तो टोमेटो जो तुमने बनाए ये तुम्हें बस इमेजिन करना है ये चीज़ सनलाइट पड़ रही है आ, ए है मतलब ऑक्सीजन है आजकल डोमिनेंस है क्योंकि एपेक्स पे है सनलाइट पड़ रही है इस साइड ये बेंड करेगा फोटो ट्रॉपिजम साथ ही साथ जियो भी याद कर लो ऑक्सीजन हेल्प करता है जियो में ठीक है फोटोट्रॉपिजम तो है ठीक उसके बाद हेज मेकिंग में अगर एप्कल डॉमिनेस हटा दी और फिर ये जो लीफ है लीफ को ये सस्टेन करा रहा है कैसे सस्टेन करा रहा है कि अगर ग्रोइंग लीफ है ना उसको प्रमोट करेगा उसको स्टे करने में हेल्प करेगा उसको गिरने नहीं देगा वेर एज ओल्ड लीफ है उसका एप्सेशन प्रमोट करेगा ऑक्सि ये याद रखना तो लीफ से रिलेटेड तुम्हारे पॉइंट हो गए फिर फ्लावर से रिलेटेड क्या है कि पाइना में फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है और कौन हेल्प करता है पाइनएपल की फ्लावरिंग में जरा बताना मेरे को पाइनएपल की फ्लावरिंग में और कौन हेल्प कर रहा होता है ठीक है ठीक है हाँ उसके बाद एक बगल में तुम्हें ये डायग्राम इमेजिन करना है कि ये मेन प्लांट है उसके बगल में क्या है मेन प्लांट के बगल में छोटे छोटे वीड्स होते हैं बेकार प्लांट्स होते हैं जिनको उखाड़ के फेंक देते हैं उस पर तुम्हारा डी 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 लगा हुआ है तो ये जो है तुम्हारा क्या बता रहा है कि ये जो हर्बी साइड है उसकी तरह भी आग करता है टू फोर डी वाला देखो तुम्हारे पास क्या क्या था आई ए ए आई बी ए ठीक है एन ए ए डी किस में है सिर्फ टू फोर डी वाले में ही तो है और वो वीड पे था वो डाईकॉटनस प्लांट्स को ही किल करता है डी वाला और मोनोकॉट को इफेक्ट नहीं करता तो मेरे डी से ही दोनों डी सॉल्व हो गए ठीक है डी से तुम्हारा डाइकॉट हो गया डाईकॉट वीड्स जो है उसको टू फोर डी जो है एलिमिनेट कर रहा है हटाने में यूज़ किया जा रहा है और कैसे यूज़ कर रहे हैं ठीक है अब ये तुम्हें देखो रूट रूटिंग में हेल्प करता है ठीक है यहाँ पे दे रखा है इट हेल्प्स इन रूटिंग पढ़ना रूटिंग इन स्टेम कटिंग स्टेम कट तो है देख रहे हो कट है स्टेम उसमें रूटिंग में हेल्प कर रहा है ब्राउन रूट्स है ऐसे इमेजिन करो और ये रूट क्या है पानी एब्जॉर्ब करेंगे पानी कैसे ड्रॉपलेट फॉर्म में ये ड्रॉपलेट फॉर्म में जो पानी है उसको क्या एज्यूम करिए सेल जैसा नहीं दिख रहा तो सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है सेल डिवीजन में किस फॉर्मेट में हेल्प करता है इलोंगेशन में क्योंकि सेल डिवीजन कौन कराता है एक्जैक्टली exactly. एकदम डिवाइड कौन करता है सेल को वो काइनिन करता है तो तुम यहाँ पे इसलिए एक नोट डाल सकते हो ऐसे बच्चे कि देखो ऑक्सीजन जो है सेल इलोंगेशन कराया जब सेल बड़ा हो गया तो अब वो क्या हो गया इतना बड़ा हो गया सेल अब उसको डिवाइड करना पड़ेगा तो साइटो का इन एक्ट किया और सेल को डिवाइड कर दिया अब सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये लंबा सेल जो है ऐसे डिवाइड हो गया समझ में आ गया ठीक है बढ़िया ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा देखना बस तुम इतना याद कर लो कि दिमाग में छाप लो ये चीज़ इसका स्क्रीन लो और कभी भी घूमने फिरने निकलो ना ये स्क्रीन बस रिवाइज कर लेना तुम्हारा काम बन जाएगा ठीक है अब आ जाओ अब गिब्रेलिन पे आते हैं ठीक है अब देखो आप कल वाली चीज दे रखी है यहाँ पे देखो प्लांट विद एपकल बर्ड इंटैक्ट प्लांट विद एपकल बर्ड रिमूव्ड नोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स ठीक है आफ्टर डीकैपिटेशन ठीक है तो ये था ऑक्सीजन का काम ए को हम लोग ने क्या किया हटा दिया तो क्या आगे लैटरल बर्ड्स आ गए ये देख रहे हो लैटरल बर्ड्स आ गए लैटरल बर्ड्स आ रहे लैटरल बर्ड्स आ, आ रहे क्या हो गया ये एप्कल डोमिनेंस को ओवरकम कर रहा है इसलिए हम इसको किस में ये ये प्लांट्स बनाएंगे इसलिए हम हेजिंग में यूज़ करते हैं इसको टी प्लांटेशन में यूज़ करते हैं ठीक है और पार्थेनो कार्पियो टोमेटोज ये पूछता है ये सवाल इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है समझ तो में आगे इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जो फोटोज मैंने तुम्हें दिखाए ना बच्चे ये फोटोज तुम्हें लग, अपने क्लास का कन्हैया बना सकता है पर सबसे बड़ा कन्हैया कौन होगा तुम्हारे भैया होंगे इसको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता दिस इज द ट्रूथ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज अ बेटर ट्रूथ ठीक है आ जाओ गिब्रेलिन जो है वो भी प्रोमोटरी है पॉजिटिव वाला जीआर है ठीक है ग्रोथ प्रमोट करता है हंड्रेड जी जिब्रेलियस मोर देन हंड्रेड जिब्रेलियंस हम लोग ने डिस्कवर किए हैं फंगाई हायर प्लांट से ठीक है जी ए जी ए वन जी ए टू जी ए थ्री में कर रहे हैं पर जी ए थ्री जो है तीस मार्खाए हैं तीस तीन ठीक है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था और मोस्ट इंटेंसिवली स्टडी सबसे पुराना उसको सबसे ज़्यादा हम लोग ने स्टडी कर रखा है और एसिडिक होता है गिब्रेलिक एसिड नाम ही है गिब्रेलिन जो होता है गिब्रेलिक एसिड होता है नाम है उसका वैसा ठीक है अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके बारे में जो हम लोग ने पहले पढ़ा है ना वो एक जगह समराइज कर ले रहे हैं ठीक है तो ई कोरोसावा ने किया कब किया था बताओ मेरे को लिख के बताओ बिना एनसीआरटी का पेज पलटे हुए ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा डोंट वरी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कर दिया है वहां मैं डाल दूंगा डोंट वरी अबाउट बच्चे ठीक है हाँ कहाँ पे हुआ था जल्दी बताओ ठीक है ई कोरोसावो ने किस ईयर में किया था ये चीज बताओ ठीक है तो फुलिश सीडिंग डिजीज बकाने जिसको कहते हैं फंगस गिबरेला फुचिक्राई की वजह से उसका स्टेराइल फिल्ट्रेट लिया हाइट ऑफ प्लांट बढ़ गई ठीक है बेसिकली जो राइस प्लांट था ना यार ठीक है वो ऐसे ग्रो कर रहा था तो प्लांट की हाइट ऐसे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया गिबरेला फुचिकुराई का स्टेराइल फिल्ट्रेट दे दिया नाइनटीन चलो वेरी गुड मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था 1926 मैंने ऐड कर दिया तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो गए वेरी गुड अब कौन सा डेरीवेटेड है हमने क्या बताया था तुम्हें जीटी के नाम से याद करना है जीटी टी हो गया फिर बायोस ए इसका बार्ली एंडोस्पम और डॉर्फ पी प्लांट क्योंकि तो गेब्रेलिन तुम अभी पढ़ोगे ना यार इंटरलोडल इलॉन्गेशन कराता है तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डोर्फ कोई चीज़ है तो उस पर तुम गेब्रेलिन ऐड करके देख सकते हो ना उसकी हाइट बढ़ गई तो वो बायोएस हो जाएगा उसका ठीक है बायोसे का क्या है दो काम था रोल बताना और किस कंसंट्रेशन वो रोल प्ले करता है वो हार्मोन वो बताना ठीक है और ये बाल्डे एंडोस्पोम बाल्डे एंडोस्पोम का यार जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता सकता हूँ पर अभी देखो उसमें थोड़ा टाइम तुम्हारा चला जाएगा वो माइलेज को एक्टिवेट कर देता है उधर और फिर ग्रोथ होती है वो अलग चीज़ है तो बाल्डे एंडोस्पोम एज ऑफ नाउ याद कर लो जिब्रेलिन का बी है उससे बाल्डे एंडोस्पोम ठीक है कल्पना मैंने मिनरल न्यूट्रिशन का वन शॉट वीडियो पूरा बना के अपलोड कर दिया तो पार्ट थ्री देखने की जरूरत नहीं वो देख लो उसमें एंड वाला पार्ट देख लेना जो वन शॉट वीडियो रिसेंटली बनाई है ठीक है आ जाओ ठीक है अब इस इस डायग्राम से हम क्या याद करने वाले हैं गिब्रेलिन को याद करने वाले देखो इस डायग्राम को घूर घूर के देखो को क्या दिख रहा है तो क्या दिख रहा है तुम्हें घूर घूर के इस डायग्राम को देखने पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये शुगर केन है शुगर केन है येलोइश होता है ठीक है उसमें क्या होते हैं उसके नोड्स होते हैं हम ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि शुगर केन है वो एक ऐसे मटके में है शुगर केन जिसमें हम ब्रू कर रहे हैं ब्रू कर रहे हैं ठीक है तो माल्टिंग का प्रोसेस हो गया ब्रू कर रहे हैं इस मटके में अल्कोहल तो माल्ट कर रहे हैं ब्रूइंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं माल्टिंग में हेल्प कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये कन्हैया का मटका नहीं है ठीक है ये क्या है हम्म hmm. ये है अल्कोहल वाला मटका ठीक है जो कि तुम तो मेडिकल कॉलेज में आके सोचते हो कंज्यूम करने के लिए ठीक है या कॉलेज में जाके ठीक है अब इसके ऊपर मैंने एप्पल रखा है ठीक इमेजिन करो ये बड़ा सा हमने स्टॉक निकाल दिया जिसपे गुच्छे हैं ग्रेप के ऐसे इमेजिन कर लिया मैंने ठीक है और राइट साइड पे क्या है एक ये है कौन है कौन है ठीक है तो कॉनिफर्स कुछ होगा इससे रिलेटेड देख लेंगे हम पैराग्राफ में और फिर यहाँ पे आर मैंने लिखा है किस पे एक रोज टाइप दिख रहा है कुछ रोज टाइप दिख रहा है वो भी बोल्टेड है मैंने इसको कील से ठोक दिया उस पर शुगर केन के नोड पे ठीक है और ये इंटर नोडल डिस्टेंस हो गया जिसको इलांगेशन कराया जा रहा है समझ रहे ठीक है अब सर वहाँ पे फटाफट फड़ देख लेंगे क्या क्या करा रहा है हमने पढ़ा लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ा रहा है ग्रेप स्टॉक का एप्पल को इलॉन्गेट कर रहा है ठीक है सब सब उस डायग्राम में है तुम अभी पीछे देख लेना ठीक है अभी फिर से दिखा दो डायग्राम डिले कर रहा है सेनेसेंस में अब एप्पल एकदम अच्छे से बैलेंस्ड है ठीक है उस शुगर किन के ऊपर जब हम माल्ट कर रहे हैं ब्रू कर रहे हैं ठीक है थीका? तो उसके ऊपर वो अच्छे से एप्पल बैलेंस्ड है मतलब वो डिले कर रहा है डिले कर रहा है सेनेसेंस को गिरने नहीं दे रहा है हम बैलेंस कर रखे हैं उस पर फिर भी चला रहे हैं डिले कर रहा है तो मार्केट पीरियड बढ़ गया कि नहीं अगर ट्री पे शुगर कीन जो कि की तुम्हारे यहाँ पे ट्री के जैसा है फ्रूट अगर उस पर लेफ्ट है लॉन्गर टाइम तो एक्सटेंड कर करिएगा मार्केट पीरियड तो कौन सा हार्मोन एक्सटेंड कर रहा है मार्केट पीरियड गिब्रेल माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर रहा है ब्रूइंग इंडस्ट्री में गैस माल्ट कर रहे हैं शुगर की को पकड़ के ठीक है शुगर में कार्बोहाइड्रेट है स्टेम में स्टोर करते हैं स्प्रे कर रहे हैं शुगर की को लेंथ बढ़ रही है नोडल लॉन्गेशन दिखा है लेंथ बढ़ रही है और ट्वेंटी हेक्टन्स पर एकड़ के हिसाब से भी बढ़ जाती है ठीक है आ जाओ अब जुबेनाइल कॉनिफर्स पे करते हो तो मेचोरटी पीरियड बढ़ती है दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन हमने देख लिया इसको ये जुबेनाइल कॉनीफर है ये कौन है क्वाफर याद आएगा इस, इसमें बहुत सीड बन गई ठीक है बढ़िया आ जाओ ठीक है अब लिबरली प्रमोट कर रहा है बोल्टिंग जैसे इंटरलोडल इलांगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग तो उसमें किस में कर रहा है भीट कैबेजेस एंड रोजेड हैबिट इसलिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे आर बी सी रोजेड हैबिट वाले बीट्स और फिर कैबेज बीटरूट और कैबेज में तुमने क्या किया बोल्टिंग की बोल्ट मतलब बोल्ट कर और बोल्ट कस दिया तुमने ठीक है तो इंटरनोडल हो गया प्रायर टू फ्लावरिंग तो यहीं से सब जस्टिफाई नहीं हो गया फ्लावरिंग से पहले इंटरनोडल इलोंगेशन वो क्या हो गया बोल्टिंग बोल्ट कर दिया मैंने नोड पे ठीक है और फ्लावरिंग और एलडीपी भी कराता कर है वर्नलाइजेशन भी कराता कर है ठीक है वर्नलाइजेशन में कौन सा रोल प्ले करता है कौन सा हॉर्मोन गिब्रेलिन करता है यार याद रखना ये पूछता था हमारे समय में भी हमारे में भी पूछ सकता ठीक है बढ़िया आगे बढ़े बस चलो सैरो करते हैं ख़त्म बस हो जाएगा इसके बाद चैप्टर खत्म कितना सा रह गया दो पेज रह गए ओ वो माई गॉड नो 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 ज़्यादा पे भाई जल्दी करना होगा चलो साइडो कैनिन क्या कौन कर रहा है स्कूग एन मिलर ने किया प्रिकर्सर इसका एडनिन है मैंने बताया था फरफराइल अमीन प्यूर ठीक है फरफ फटाफट -फर डिवाइड कर रहा फटाफट फटाफट डिवीजन के लिए डी एन डी एन में प्यूरिन प्योरिन क्या है एडनिन और गुआनिन ठीक है बायो ऐसे क्या होगा अब देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट वर्ड है रिचमेंड इफेक्ट ये पूछता है ठीक है रिच है तुम सेल्स में साइटोकाइनिन कैसेल को डिवाइड कर रहा है तुम बहुत रिच हो सेल्स में पैस, पैसा है ना तुम्हारे तुम्हारा ढेर सारा पैसा इंडिविजुअल नोट्स है इंडिविजुअल नोट्स क्या है तुम्हारे सेल की तरह है ठीक है तो ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो तो ढेर सारे सेल्स तो रिच मॉन लैंग इफेक्ट जो है रिच से रिलेटेड लैंग वो है बायोवेसिक और इसको कहते हैं लीव के सेंनेस को डिले करना वो और किसका साइटोकाइन है साइटो ऐसे याद रहेगा तो तुम ना अब अगली बार वर्ड पढ़ोगे ना अगर वर्ड को ब्रेक करना सीख जाओ ना यार तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है तुम ऑप्शन में देख के ना देख तो बोर्ड्स का एग्जाम तो लिखना नहीं है कि पूरा रिचमंड लैंग इफेक्ट लिख रहे हो डिले इन लीव सेंस है तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट मालूम कॉन्सेप्ट दिख है तुम्हें बस उसका आइडिया भी है फेंट आइडिया भी है उस फेंट आइडिया को तुम याद कर लिया मैंने कैसे याद किया कि कुछ रिच टाइप का मतलब ढेर सारे सेल्स है तो रिचमंड लैंग इफेक्ट दिखेगा तो ऐसे हो जाएगा ठीक है बार्डी का बी एंडोस्पर्म तो वो किधर चला गया गेब्रेलिन बाय वैसे भी डॉर्फ इंटर लोडल लॉन्गेशन क्या कर रहा था गिब्रेलिन करा रहा था बस हो गया डॉर्फ बी का इधर ही आएगा ठीक है रूल आउट भी कर लोगे ऐसे ठीक है आ जाओ अब ये याद रखना तुम्हें साइड में एक डायग्राम बनाना है ये तुम्हारा स्पोम बनाया स्पोम डी से तुमने क्या ऑटोक्लेव हेरिंग हेरिंग तुम्हारा फिश है उसके स्पोम डी से तुमने क्या लिया ये ऑप्टेन किया ठीक है अब काइनेटिन जो है ना तुम्हारा प्लान बन गया करता है काइनेटिन अब देखो स्पोम है ठीक है काइनामेटिक शो करेगा स्पॉम जो है रैपिडली मूव कर रहा होता है तुमने कभी स्पोम का वो देखा है स्लाइड के अंदर तुम देखोगे स्पॉम को स्लाइड के अंदर तुम्हें पता चलता है कि वो बहुत तेज तेज ऐसे मूव करता है टक 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 बहुत तेज भाग रहा होता है डार्टिंग ऐसे ऐसे डार्ट कर रहा होता है ठीक है तो ये जो स्पर्म है उस जो बहुत तेज तेज मूव कर रहा है ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है काइनेसिस कर रहा है तो क्या है प्लांट में तो होगा नहीं स्पर्म किस में होता है ह्यूमन्स में होता है ठीक है तो एनिमल्स में होता है तो इसलिए काइनेटिन जो है स्पर्म जो काइनेसिस शो कर रहा है वो प्लांट्स में नहीं होगा ऐसे तुम याद कर सकते हो ठीक है तो अब हम नेचुरल सब्सटेंस ढूंढ करेंगे प्लांट्स में तो उसमें हमें जियाटिन मिल गया ज़ियाटिन हमें कहाँ मिला हमें मिला एक उन बच्चे हाँ जी हमें मिला इसमें एक कॉर्न कर्नल मेज में और दूसरा ये क्या है जी हमें मिल गया किसमें कोकोनट मिल्क में ठीक है ठीक है हो गया बढ़िया कूल चलो आगे बढ़ते हैं इस सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी शो कर रहा है नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स रूट डेवलपिंग शूट यंग फ्रूट्स ठीक है रिचमंड लैंग इफेक्ट रिचमंड लैंग इफेक्ट हो गया समझ में आ गया लोगों को चलो अब साइटोकाइनिन का तुम ये डायग्राम बना सकते हो सिंपल सा कि साइटोकाइनिन जो है तुम्हारा एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करके लैटरल बड बना दिया ठीक है प्लस ये क्या कर रहा है न्यूट्रिएंट का मोबालाइज कर रहा है ये न्यूट्रिएंट्स है ये लीफ में जा रहे हैं नया लीव बनाए नया लीफ में ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट बन रहे क्लोरोप्लास्ट ग्लोर, एंड लीव्स का जो डिवीजन है ना साइटोकैनिन होता है सेल का डिवीज़न हो रहा है क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीज़न जो होता है बाइनरी होता है तो ये क्या होगा उससे हो जाएगा किससे होगा साइटोकाइनिन की हेल्प से ठीक है एडवेंटिशियस शूट लैटरल शूट ग्रोथ ये सब में हेल्प कर रहा है साइटोकाइनिन कुछ भी ग्रोथ से रिलेटेड है यार जिसमें डिवीजन इन्वॉल्व है साइटोकाइनिन कर देगा ठीक है और न्यूट्रिय मोबिलाइज कर रहा है लैटरल शूट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है बाय ओवरकमिंग एपकल डोमिनेंस ठीक है अब इथाइलिन करें सब लोग एक बार थम्सअप दे दो यार सब लोग थम्सअप दे दो रेडी अप दे दो एक बार चलो 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 फटाफट खत्म करते हैं यार ठीक है सब वेरी गुड वेरी गुड ऋषिकेश कर्तव्य दिव्या सयान शुभम स्मृति बहुत सही यार तुम्हारी एनर्जी बनी रहती है ना तो मेरे को अच्छा लगता है ओके मैं थका हूँ फिर भी पढ़ा रहा हूँ अभी मेरी नाइट ड्यूटी भी है नौ बजे से मेरे को जाना है नाइट ड्यूटी पर बारह घंटे यार सुबह सोने को मिलेगा मेरे भैया के साइड से तुम रो लो भैया के बारे रोने का भी समय नहीं है अभी ठीक है तो इथाइलिन क्या है सिंपल गैशस हार्मोन है ठीक है सिंपल गैशस पीजीआर है और लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहा है ठीक है सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट में सेनेसेंस वाले और राइपनिंग फ्रूट में ठीक तो इन्फ्लुएंस ऑफ इथालिन इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ एक्स एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकोर सीड लेंगे अब ये सारा चीज़ भी हम यहाँ पे कैसे याद कर लेंगे इस डायग्राम के थ्रू याद करेंगे सबका डायग्राम है यार बेसिकली तो तुम देखा जाए ये था साइटोकाइनिन का डायग्राम ये था गिब्रेलिन का डायग्राम गिब्रेलिन बड़ा वर्ड है और ये तुम माल्टिंग ब्रूइंग कर रहे हो एप्पल को बैलेंस करते हुए ग्रेप ग्रेप बगल में एक कौन है वहाँ पर ठीक और है और वोल्टेड आर बी सीज हैं ठीक है उसके बाद ये तुम्हारा ऑक्सिन का था ठीक है डायग्राम एक बार जल्दी से क्विकली याद कर लो कलरफुल डाइग्राम इसको अपने दिमाग में बैठा लो इसी को रिव्यू करके जाना मैं ऐसे ही डायग्राम्स अपने दिमाग में क्रिएट करके जाता था कोई पैराग्राफ जब मेरे को याद करना होता था जो याद नहीं होता थीक है ठीक है ठीक है अब यहाँ पे आ जाओ इथाइलिन इथाइलिन में क्या है एच एच कज़न मैंने लिख दिया इथाइलिन इतफ एग्जाम्पल हो गया बायो ऐसे ट्रिपल रिस्पॉस ट्रिपल रिस्पॉन्स प्लीज़ याद कर लो इथाइलिन है ट्रिपल रिस्पॉन्स ठीक है तो साइटोकाइनिन के लिए क्या था बायसे रिचमेंट रिचमेंट लैंग इफेक्ट ट्रिपल रिस्पॉन्स ट्रिपल क्या रिस्पॉन्स होता है ये होता है कि आप सीड है उसमें एपकल हुक बना फिर वो ब्रॉडन हो गया ठीक है और फिर हॉरिजॉन्टल हो गया ये ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन शो करता है इथाईलिन अब कैसे तुम्हें याद रहेगा इथाईलिन जो है ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करेगा तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि डबल बॉन्ड है उसको हम ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए ऐसे डबल से ट्रिपल हो गया या फिर ट्रिपल रिस्पॉन्स तुम ऐसे याद कर सकते हो गैस है गैस जो है हर जगह फैलेगा तो थ्री डायमेंशनल स्प्रेड होगा गैस का तो वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करेगा तो ये आई थिंक बेटर होगा कि थ्री याद कर लो कि थ्री डायमेंशनल होगा गैस का स्प्रेड मैं लिख देता हूँ डायमेंशनल गैस स्प्रेड्स ठीक है ग्रैस गैस ऐसे थोड़ी ना एक डायमेंशन दा, में जाएगी या दो डायमेंशन में जाएगी वो तीनों डायमेंशन में जाती है ठीक है ठीक है ओके अब आ जाओ ये पहले हम याद करेंगे डायग्राम उसके बाद हम पढ़ लेंगे पैराग्राफ सब कुछ कवर कर दिया मैंने डायग्राम तो डायग्राम में क्या है यार कि एक तुम्हारा एक्वेरियम टाइप का वो पड़ा हुआ है ठीक है ओ माय गॉड उफ हाँ तो एक्वेरियम है देखो यूजुअली क्या होता है ना यार अगर तुम बिना डायग्राम की चीज़ें याद करते हो रैंडम वर्ड्स के फॉर्मेट पर तो तुम भूल जाओगे वो मिक्स कर दोगे डायग्राम तुम्हारी फ्लैश करेगा दिमाग में एक हिट करेगा ठीक है प्रकर्सर मेथोनियम वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू यार याद दिलाने के लिए मैथ्यूनियन है प्रकर्सर आ जाओ डायग्राम पर ठीक है तो ये एक्वेरियम है ये ब्लैक कलर का मैंने जो आउटलाइन किया है उसमें पानी भरा है पानी में एक तुम्हारा बड़ा सा प्लांट है अंडर वॉट अंडर वाटर तुम्हारा राइस प्लांट है एक ठीक है डीप वाटर राइस प्लांट है वो ग्रो करके पेट्यूबल इलॉन्गेशन करके सरफेस पे आ गया और सरफेस एरिया बढ़ गया इसका और ये रूट फॉर्मेशन कर रहा है बगल में तुम्हारा क्या है दो ये क्या दिख रहा है पीनट है और ये क्या है पोटेटो है उसमें ट्यूबर्स होते हैं पोटेटो देखा है जो मार्केट से आता है जब तुम्हारे सट्टी से पोटेटो आता है ना सट्टी कहते हैं क्या कहते हैं मंडी मंडी सट्टी मंडी हाँ वहाँ से आता है तो वहाँ पर ट्यूबर्स बने होते हैं उसमें ठीक है इससे तुम्हारा गैस निकल रहा है ठीक है तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक किया गैस जो है फट के निकला ऐसे फट से फटा पीनट पॉप हो गया पोटेटो पॉप हो गया उससे गैस निकाला बबल के फॉर्म में बबल में तुम इमेजिन करना है तुम्हारा ऐसा है बबल के फॉर्म बबलिंग हो रही है वाटर से बबलिंग होते हुए ऊपर गई और ये सफोकेट कर दिया लीफ को और फ्लावर को जो कि इस ट्री को बिलोंग करता था ये लीफ और फ्लावर है ट्री का उसको ये क्या कर दिया बबल करके गिरा दिया सफोकेट कर दिया तो बेसिकली क्या हुआ लॉस ऑफ लीफ हो गया सफोकेशन की वजह से और ये फ्लावर को भी गिरा दिया ठीक है इथैलिन ने ठीक है अब बगल में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हम कुछ मिलावट कर रहे हैं एथेफ़ोन एथेफ़ोन को जो है उसको हमने पानी में मिला दिया तो एक्वस हो गया वाटर सोल्यूबल हो गया ठीक है और ये जो है इसमें हम दो डायग्राम बनाए एक तो ब्रेन का तुमने देखा है ब्रेन ऐसे दिखता है ना ऐसे हम बनाते हैं ब्रेन को ठीक है गहराई सलकाई ब्रेन का दिखाते हुए ऐसे बनाते हैं ये कैसा है वॉलट जैसे दिखता है वॉलट कैसा दिखता है दिमाग जैसे दिखता है ना सेरेब्रम जैसे इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वॉलट खाने दिमाग बढ़ता है तो दिमाग जैसे दिखता है वो सब तो मिथ है पर छोड़ो हाँ दो सी लिख दिए एक चेरी है एक कॉटन है दो सी चेरी कॉटन इस वॉलट में ठीक है इसको मैंने मिक्स किया और इस पर दो चीज़ें मैंने दो रेड बना दिए है दो चीज दोनों रेड एक टोमेटो टोमेटो का पार्थोनिक और कर रहा था यहां पर टोमेटो एज वेल एज एप्पल है ठीक है टोमेटो एप्पल में क्या कर रहा है राइपनिंग करा रहा है तूफान तो जो है फ्रूट राइपनिंग करा रहा है टोमेटो और एप्पल में ठीक है और स्लोली रिलीज कर रहा तो है तो तूफान गैस यहाँ पे और एथफॉन फिर नीचे जाके कुकुम्बर है दिख रहा है ये कुकुम्बर है उसमें फ्लावर निकल रहा है तो फीमेल फ्लावर्स निकाल रहा है कुकुम्बर में ठीक है ये प्लांट ये प्लांट किस पे अर्थ पे अटैच है और अर्थ पे दो फ्रूट पड़े हुए हैं एक मैंगो मैंगो की फ्लावरिंग हो रही है इथैलिन करा रहा है और एक पाइनएप्पल पाइनएप्पल बहुत गंदा बनाया उसकी फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है ठीक है अब ये ऐसे मैंने याद कर रखा था यार अपने समय ऑक्सिन का गिब्रेलिन का साइटोकाइन अब देखो मेरे को रट्टा मारने बहुत अच्छे से नहीं आता था और मैं मारता भी था तो मैं भूल जाता था तो कैसे याद करूँगा अब कई बार दे देता है ना पाइनएप्पल कहाँ कहाँ है बताओ पाइनएप्पल कहाँ मैं लिखवा दूंगा तुम्हें अलग से पर तुम्हें ऐसे याद रहेगा कि पाइनएपल मैंने फ्लावरिंग बनाई थी ऑक्सिन में पिंक कलर का जो फ्लावर था लीफ के नीचे याद आया गिब्रेलिन याद करो गिब्रेलिन का तुम्हें कुछ याद आ रहा है कहीं पाइनएप्पल नहीं वहाँ पे भी फ्लावर बनाया था पर उसके बगल में ना मैंने आर लिखा हुआ था वो तो रोजेट है है उसको मैंने बोल्ट कर दिया है फिक्स कर दिया है नोड पे तो वो तो नहीं होगा यार फिर कहाँ आ गया साइडोकैनिन में तो मैंने सिंपल सा प्लांट बनाया था उसका लैटरल शूट बनाया था लीफ निकल रहा है तो वो तो नहीं था यार उधर भी नहीं है फिर आ जाओ ऑक्सीजन सॉरी इथाइलिन इथाइलिन पर मेरे को याद आ रहा है कि हाँ जो है नीचे लीफ पे कुछ पड़ा हुआ है तो ग्राउंड पे कुछ पड़ा हुआ है तो ग्राउंड पे जो पड़ा हुआ है वो फ्लावर जो हैं ठीक है उसमें एक पाइन था ऐसे याद आ जाएगा आपको ठीक है सही है यार ओमेगा थ्री फैटी एसिड होता है ठीक है पर ऐसा नहीं होता है मतलब कि तुम्हें दिमाग को बढ़ा देगा वो डी एच वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना पाँच साल के बच्चों पाँच साल से कम के बच्चों में होता है डी एच वाली चीज़ ठीक है चलो बस एक चीज़ रह गया आपको ये याद रखना ये रेड कलर से मैंने बात किया है रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है राइपनिंग की वजह से और उसको रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हो रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या पूछेगा कौन सा हार्मोन में देखा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक तो रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज कर रहे हो ये थैली नहीं तो होगा सिंपल सी बात ठीक है उसमें होता क्या है जो प्लांट है उसमें एसिड को शुगर में कन्वर्ट करते हैं उसमें कलर चेंज हो रहे हैं और मिडिल लैमला डिजोल्व करता है जब राइपन हो रहा है ना फ्रूट अब राइपन होता है मैंगो देखा होगा उसका कलर चेंज होता है ग्रीन ग्रीन होता है येलो हो जाता है फिर ऑरेंज होने लगता है सड़ने लग जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि मिडिल लैमला क्या हो रहा है उसका डिजॉल्व हो रहा है और उसका जो एसिड होता है ना अंदर वो शुगर में कन्वर्ट होता है ठीक है अच्छी लगी ट्रिक्स चलो तो स्प्राउटिंग इन पोटेटो ट्यूबर पीनट्स ठीक है इथाइलिन कर रहा है सीट ब्रेक एंड बड डोमिन कर रहा है ठीक है हो गया डीप राइज वाटर प्लांट इंटरनोड पेटियोल इलॉन्गेशन करके उसको सरफेस पे ले आया शूट रिमेन अबर वाटर इसकी वजह से रूट हेयर फॉर्मेशन रूट ग्रोथ दिख रहा है रूट हेयर और रूट ग्रोथ और क्या इनिशिएट कर रहा है फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल ठीक है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट पाइनएप्पल में मैंगो में ठीक है समझ में आ गया अब एथेफोन एक्वा सोल्यूशन मैंने मिलाया था वो डिजॉल्व होकर नीचे गया एंड स्लोली वो रिलीज कर रहा है इथाइलिन ठीक है तुम्हें ऐसे याद करना और फीमेल फ्लावर इन कोकम्बर और थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलट ठीक है इसका एप्सेशन प्रोमोट कर रहा है तो फ्रूट राइपिंग कर रहा है इधर और एप्सेशन प्रोमोट कर रहा है इधर ठीक है याद हो गया ठीक है और ऊपर जो फ्लावर गिर रहे थे वो कैसे याद किया तुमने इथाइलिन प्रमोटेंस एंड एप्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर क्या कर रहा है इसको गिरा दे रहा है ये सफोकेट करके इसको गिरा दे रहा है ठीक है इतना गैस था गिर गया अब ये जो तीन चीज़ें तुम्हें ट्रिपल एक्सज से याद हो जाती हैं उसकी जो पहली लाइन में लिखी हुई ना यहाँ पर सॉरी पहली लाइन में नहीं हाँ दूसरी लाइन में कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथैलिन और प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एप्कल हु बेसिकली तुम ना विजुअल डायग्राम्स के थ्रू चीज़ें याद कर सकते हो डायग्राम्स बना लो विजुअल ट्रिक्स होते हैं तुम्हारे ठीक है ये हो गया आपकल हुक हुक बना दिया ये ब्रॉडन कर दिया और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करा दिया आ जाओ अब एप्सेसिक एसिड पे स्ट्रेस 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 हार्मोन एस है स्ट्रेस सीड स्टोमेटा ठीक है अभी एप्सेसिक एसिड एप्सेस में तो हेल्प करेगा ही और डॉर्मेंसी में भी डॉमेंसी में क्यों क्योंकि स्ट्रेस में आप डॉर्मेंट हो जाते हो ठीक है बाहर बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है घर में छुप के बैठ जाते हो ठीक है तुम तो यार एग्जाम में ही घर में छुप के बैठ जाते हो भीगी बन बिल्ली बन के रोने लगते हो अलग बात है स्ट्रेस का ठीक है इनिबिट कर रहा है सीड जर्मिनेशन ठीक है इनिबिट कर रहा है ए बी ए सीड जर्मिनेशन क्लोजर ऑफ टमाटा करा देता है ठीक है और टॉलरेंस ऑफ प्लान टू वेरियस स्ट्रेसेस इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ठीक है अब सी डेवलपमेंट मैच्योरिटी डॉमेंसी याद रखना मैच्योरेशन जो है यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है उसको ग्रीन से तुम मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए मार्क याद रखना अगर मैच्योरेशन कह रहा है क्या मैच्योरेशन में हेल्प करता है क्या सीड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा हम सोचते हैं कि एसिड जो है ना खतरनाक चीज़ है एपसिसिक मतलब इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करते हैं कि ये कुछ सीजन कर देगा कट कर देगा स्ट्रेस हार्मोन है सीड से रिलेटेड है डॉमेंसी कर जाता है स्टोमेटा को क्लोज कराता है सब कुछ नेगेटिव करा रहा है ये ऐसे सोचते हैं पर ऐसा नहीं है डॉर्मेंसी जो है ना सीड को हेल्प कर रही टाइड ओवर करने में कोई भी बैड फेज अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ वाला जो फेज़ होता है ना उसको टाइड ओवर हेल्प करने में हेल्प कर रही है तो मेच्योरेशन में उसमें सीड की मेच्योरिटी और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है क्योंकि तो डेवलपमेंट क्या था पूरा प्रोसेस था सीड का जो भी एक प्लांट का सेल टिश्यू जो भी गोथ्रू हो रहा है ना वो डेवलपमेंट का पार्ट तो होता है सीड के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये रोल रोल बहुत प्ले करता है ठीक है समझ तो में आ रहा है आपको और ए बी एंटागोनिस्ट होता है जी का सीड डॉर्मेंसी में आ गया याद रखना ये ग्रीन वाली चीज याद करना ये अच्छे से मार्क कर लो क्योंकि क्वेश्चन क्यों क्यों पक्का तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि आपसे कैसे तो तुम सोचो सी डॉमेंसी तो डेवलपमेंट तो हेल्प करेंगे नहीं पर एनसीआर दे रखी कि मैच्योरेशन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ठीक है और एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट है जीए का सी डॉर्मेंसी में जीए का एंटागोनिस्ट अब हम तुम्हें एंटागोनिस्ट और इसका टेबल दे देते हैं ठीक है ये देख लो यहां से सी डॉन्सी जी ए बी एंटोगनिस होते हैं एपकल डोमिनस में क्या पढ़ाता है ऑक्सिन साइटोको एंटोगनिस ऑक्सिन क्या कर रहा है एपकल डोमिनस प्रोमोट कर रहा है साइटोकैनिन इनिबिट करता है लॉस कराता है एपकल डोमिनस का तभी लैटरल ग्रोथ होती है ठीक है टिश्यू कल्चर ऑक्सिन साइटोकैन सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी है लिख लो ऐसे ऐसे बना लो ठीक है ये ऐसे बना लो टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकैनिन की सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है ऑक्सिन क्या कर रहा है टिश्यू कल्चर में क्या कराना है तो ग्रोथ कराना है सेल का सॉरी डिविजन कराना है तो इलॉन्गेट कराया और डिवाइड करा दिया साइटोकैनिन ने एप्सिजन मतलब फॉल फॉल कराना है लीव का या फिर फ्लावर का ऑक्सिन भी कराता है एप्सीशन तुमने ओल्डर लीफ का पढ़ा था वो लीफ वाला डायग्राम याद है उसके नीचे पाइनएप्पल का फ्लावर था ठीक है इथाइलिन तो करा ही रहा है पढ़ा गैस ऊपर जा रहा था और इथाइलिन ने उसको मार दिया सफोकेट कर दिया और एसिड एपसीसी कराई गई ठीक है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ऑक्सीजन और इथाइलिन सिनोजिस्टिक एक्टिविटी ठीक है ये हो गया अब ये चीज़ सिंपल सी पैराग्राफ पढ़ सकते हो ये तीन चीज़ें मार्ग है कुछ नया नहीं है फोटो पीरियोडिजम पे आ जाते हैं पीरियोडिक एक्सपोजर होता है तो इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग होती है तो तीन टाइप के प्लांट होते हैं डिपेंडिंग ऑन क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट मिल रही है ज़्यादा मिल रही है उसके इंडिपेंडेंट भी इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग हो रही है तो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं शॉर्ट डे होते हैं ठीक है और डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं और ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट होता है अब देखो लॉन्ग डे मतलब ये नहीं कि वो प्लांट्स जो लंबी लं, लंबा जो दिन है ना तब ग्रो कर रहे हैं तब नहीं लॉन्ग डे प्लांट्स अभी मैं तुम्हें बताऊंगा ठीक है ऐसा नहीं कि समर्स में ही लॉन्ग डे प्लांट होंगे नहीं उल्टा ये होता है कि विंटर से जब समर में जा रहे होते हैं ना तो दिन तुम्हारा बढ़ रहा होता है सही है ना विंटर में दिन छोटा होता है समर में ज़्यादा होता है तो एक ऐसा प्लांट जो कि लॉन्ग डे है उसका क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है ना मान लो ज़्यादा है मान लो बारह घंटे है तो बारह घंटे से ज़्यादा उसको लाइट मिलेगी तभी वो ग्रो करेगा अब जब विंटर्स में हो तो तुम्हारा क्या है पाँच से छः घंटा तुम्हारा लाइट रह रही है ठीक है अब विंटर से समर की तरफ तुम मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है धीरे धीरे लाइट का ड्यूरेशन बढ़ रहा है जैसे ही तुम समर के पास आने लगे तुम्हारा बारह घंटे से ज़्यादा हो गया लाइट का ड्यूरेशन ठीक है मान लो चौदह घंटा हो गया तो वो फ्लावर कट जाएगा तो वो हो गया लॉन्ग डे प्लांट ठीक है क्रिटिकल फोटो पीरियड पर डिपेंडेंट दिपे होता है तो ये याद कर लेना बिलो हुआ और इसके अबव गया फ्लावरिंग होगी लॉन्ग डे प्लांट ठीक है क्रिटिकल पीरियड के नीचे फ्लावरिंग हो गई शॉर्ट डे प्लांट ठीक है समझ में आ गया सबको बताना फोटोपेरियाज़म समझ में आया कि नहीं ठीक है और वेजिटेटिव मेच्योरिटी के बाद मतलब प्लांट एक बार बड़ा हो गया उसके बाद फ्लावर करने लग गया एक्चुअली रिप्रोड्यूस करके प्लांट फ्लावर कर गया बड़ा होने के बाद वेजिटेटिव मेच्योरिटी के बाद तो डे न्यूट्रल प्लांट हो गया ठीक है आ जाओ अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की अब डे के ड्यूरेशन में का फ़र्क नहीं पड़ता है सिर्फ लाइट पीरियड का फ़र्क नहीं पड़ता है डार्क पीरियड भी इंपॉर्टेंट होता है अभी बता रहा हूँ ठीक है शॉर्ट डे बता रहा हूँ प्रियंका रुक जाओ ठीक है रिलेटिव ड्यूरेशन से फर्क पड़ता है ये सारी चीज़ें लाइन मार्क करो जल्दी जल्दी ठीक है अब आ जाओ इधर शॉर्ट डे वाला भी तुम्हें समझाता हूँ कॉन्सेप्ट अभी बताता हूँ ठीक है तुम ऐसे नोट डाउन कर लो यार तुम्हारे लिए बेटर रहेगा ठीक है तुम ऐसे समझो पहले कि ये पहली चीज़ देख लो शॉर्ट डे जो होगा ना लॉन्ग नाइट प्लांट हो गया क्योंकि तो उसको कम लाइट चाहिए क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट चाहिए मतलब दिन में 24 घंटे हैं और उसमें से अगर क्रिटिकल पीरियड 8 घंटे का उसका शॉर्ट डे प्लांट का तो उसको अगर छः घंटे की लाइट मिल गई ठीक है अगर छः घंटे की उसकी लाइट मिलती है तो फ्लावर कट जाएगा मतलब छः घंटे की लाइट मतलब उसका बाकी समय डार्क है डार्क कितना होगा ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स इक्वल्स टू एटीन आवर्स तो क्या हो गया लॉन्ग लाइट प्लांट हुआ ठीक है हाँ अब आ जाओ लॉन्ग डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि बारह घंटे का क्रिटिकल पीरियड चौदह घंटे की उसको लाइट मिल गई ठीक है तो रिमेनिंग कितना हो गया ट्वेंटी फोर माइनस फोर्टी टेन आवर्स ये क्या हो गया ये नाइट हो गई तो ये शॉर्ट नाइट प्लांट हो गया ठीक है ठीक है ये वन एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे ठीक है तो जब तुम डे लॉन्ग कर रहे हो मतलब तुम विंटर से समर की तरफ बढ़ रहे हो डे लॉन्ग हो रहा है ठीक है तो क्रिटिकल पीरियड जो है जिस प्लांट का ज्यादा उसको उन प्लांट्स को जब दिन बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट मिल जाएगी तो वो लॉन्ग डे प्लांट हो जाएंगे फ्लावर कर जाएंगे वही जब तुम समर से विंटर की तरफ मूव कर रहे हो तुम ऐसे लिख सकते हो यार ये चीज़ लिख लो ठीक है मैं रेडियन मार्कर से लिख रहा हूँ तुम तो ऐसे लिख रहा हूँ समर टू विंटर तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारा दिन क्या हो रहा है घटता जा रहा है दिन का घटता जा रहा है अब क्रिटिकल ड्यूरेशन मान लो ऐसा कुछ था ठीक है क्रिटिकल ड्यूरेशन जब तुम यहाँ पहुँचे ना विंटर के इतने क्लोज तो क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे कम हो गया क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है तुम्हारा मान लो टेन आवर्स का था और टेन आवर्स से कम की यहाँ से यहाँ के बीच में टेन आवर्स से कम मान लो एट आवर्स का ही तुम्हें लाइट मिल रहा है तो वो क्या हो गया शॉर्ट डे प्लांट अगर है ऐसा अगर शॉर्ट डे प्लांट इस एन्वायरमेंट में थ्राइव कर रहा है वो क्या कर जाएगा फ्लावर कर जाएगा क्योंकि तो उसको क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम की लाइट मिली सिंपल सी बात ठीक है अब आ जाओ इधर ये चीज पूछता है पूछा हुआ है कि लीफ देखो शूट अप, अपाइसिस जो है मॉडिफाई कर लेते हैं अपन को फ्लावरिंग अपाइसिस में ठीक है पर ये मॉडिफिकेशन के लिए शूट अपाइसिस लाइट को परसीव नहीं करते फ्लावर्स सॉरी लीव जो होते हैं ना वो परसीव करते हैं ठीक है और ये फाइटोक्रोम और प्रोटीन के हेल्प से लीव जो है परसीव करते हैं ये क्वेश्चन आ रखा है ठीक है फाइटोक्रोम क्रोमो प्रोटीन के हेल्प से लीव जो है परसीव करते हैं लाइट को और फिर फ्लोरिजन एक कंपाउंड है जो सिंथेसाइज करता है लीव ठीक है हार्मोनल सब्सटेंस है जो माइग्रेट करेगा शूट अपाइसिस पे इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग फ्लावरिंग अपाइसिस में कन्वर्ट करके ठीक है समझ गए चलो आ जाओ वर्नलाइजेशन उसके बाद सी डॉर्म खत्म चैप्टर उसके बाद खत्म करते हैं ठीक है ये पूरा लेसन आपको मिल जाएगा कहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये पूरा पीडीएफ ठीक है इससे फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो तो समझ में आ रहा है सबको चलो वर्नलाइजेशन की बात करते हैं वर्नलाइजेशन क्या है कि तुमने लो टेम्परेचर ठीक है वर्नलाइजेशन मतलब लो टेम्परेचर से फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहे हो इधर क्वान्टिटेटिवली क्वालिटेटिवली ठीक है हाँ डिनर टाइम हो गया यार बस बस हो गया खत्म हो गया बच्चे ठीक है बस खत्म हो गया विशेष ठीक है ये प्रिवेंट करता है प्रिकॉशस रिप्रोडक्टिव ये डेवलपमेंट को ये लाइन मार्क कर लो ये पूछता है ये मार्क कर लो ठीक है ठीक है अब वनलाइजेशन में तुम फ्लावरिंग प्रमोट कर रहे हो लो टेम्परेचर की तो अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तुम्हें ये स्प्रिंग वैरायटी और ये लोगों को समझ में आता है विंटर वैरायटी क्या है कैसे है ठीक है तो याद रखना है तुम्हें वीट बाल्डे राई के दो टाइप के वैरायटी होते हैं विंटर और स्प्रिंग वैरायटी स्प्रिंग वालों को क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि उसको हम स्प्रिंग में प्लांट कर देते हैं तो फ्लावर करके आ, आ, वो अपना हार्वेस्ट कर सकते हैं हम उनको ठीक है एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन से पहले मतलब तो स्प्रिंग में हमने प्लांट कर दिया तो वो ग्रो करके समर में हम हार्वेस्ट कर लिए ठीक है अभी मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता तो, हूँ विजुअली दिखाऊंगा ना समझ में आएगा रुक जाओ विंटर वैरायटी जो है उसको हम स्प्रिंग में अगर ग्रो कर देते हैं गलती से स्प्रिंग में डाल देते तो वो फ्लावर कर ही नहीं पाएगा और मेच्योरिटी नहीं ग्रीन कर पाएगा इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन इसका मतलब क्या अभी बताता हूँ रुक जाओ रुक जाओ इसलिए हम उसको क्या करते हैं एन सी आर टी कहती है ऑटम में हम प्लांट करते हैं वो जर्मिनेट करेगा स्मॉल सीडलिंग बनाएगा ओवर विंटर और फिर स्प्रिंग में फिर से कंटिन्यू करेगा ग्रोथ और हार्वेस्ट करके मिड समर्स में उसका क्रॉप को ऑप्टेन कर लेंगे ठीक है अब देखो इसको यहाँ से टीना मिल जाएगी है लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट तो में तो मिल जाएगी है। ठीक है ठीक है देखो अब हम यहाँ देखते हैं पहली बात ये बना लो कलर कोडिंग ग्रीन वाला स्प्रिंग वेराइटी एनसीआरटी की लाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया डाइग्राम में और रेड ये पिंक वाला है वाइट विंटर वेरायटी अब हम ग्रीन वाले को जब यहाँ प्लांट करते हैं ना यार तो ग्रीन वाला यहाँ जाके फ्लावर कर जाएगा ठीक है ग्रीन वाला भी यहाँ जाके ये फ्लावर कर गया ठीक है स्प्रिंग वेराइटी को हमने इधर प्लांट किया स्प्रिंग में ठीक है स्प्रिंग को स्प्रिंग में किया स्प्रिंग को मैंने स्प्रिंग में कर दिया तो समर में जाके वो आ गया हम क्या चाहते हैं ना यार हम कोऑर्डिनेटेड चाहते हैं कि हार्वेस्ट हो हमारा हार्वेस्ट है हम समर सीजन में हार्वेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को तो हम ऐसे ग्रो करेंगे राई वीट बाड़ले के विंटर और स्प्रिंग वैरायटी को कि वो सेम टाइम पर हम हार्वेस्ट करना पड़े हमें एक ही टाइम पर ऐसा ना हो कि कोई पौधे हार्वेस्ट करने लायक है कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे ना उनका जो विंटर वैरायटी है हम उसको स्प्रिंग में नहीं डाल सकते हम दोनों को डालते हैं मान लो पिंक भी यहाँ डाल देते हैं। ग्रीन भी यहाँ डालते ये यह तो बोल रहे हैं एनसीआर टी फेल कर जाएगा यहाँ पर ये यह कर ही नहीं पाएगा फ्लावर तो हम तो सिर्फ स्प्रिंग वाले को हार्वेस्ट कर पाएंगे हार्वेस्टिंग सीजन में ये ये तो वेस्ट हो गया वेस्ट हो गया ना यार विंटर वैरायटी वेस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे विंटर वैरायटी को हम डालेंगे ऑटम में ऑटम में डालेंगे ऑटम क्या होता है समर और विंटर के बीच में हम यहाँ डालें ये क्या छोटा सा सीडलिंग बनाएगा विंटर के समय और ये अब विंटर के बाद ये रिज्यूम करेगा अपना ग्रोथ विंटर में ठंड पड़ गई ठीक है बहुत ठंड पड़ रही है ग्रो नहीं कर पा रहा है उसके बाद स्प्रिंग में फिर से ये रिज्यूम करेगा अपना ग्रोथ येन सी आर टीआर रिज्यूम किया ग्रोथ और फिर ये इतना बड़ा हो कि समर में हार्वेस्टेबल हो गया उसको हार्वेस्ट कर पा रहे तो दोनों पिंक और ग्रीन हार्वेस्ट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया समर्स में तो हम सेम टाइम पर खटाई कर सकते हैं वरना टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है और हमारा कॉस्ट वेस्ट होता समझ रहे हो समझ गए समझ गए आ गया ये था एग्जाम्पल किसका दो वैरायटी का ठीक है जिसमें और, विंटर, वीड आ, और राई आता है। है यार कितनी लगती है में आ, गला बैठ गया यार अब देखो अनदर एग्जाम्पल वर्नलाइजेशन बाइनियल प्लांट में देखने को मिलता है ठीक है वो क्या होते हैं मोनोकार्बिक प्लांट होते हैं ये भी समझाता हूँ अभी और वो डाई कर जाते हैं सेकेंड सीजन में शुगर कैबेज और आ, ये ये कैरेट और कैबेज होते हैं ठीक है कॉमन बाइनियल्स और कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट करता है सबसिक्वेंट सब्सिकुवेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ऐसे मेरे को भी समझ में नहीं आता था एन इतना टफ लैंग्वेज दे देती ना सब बोलते हैं एन से आता है पर उसको समझना ज़रूरी है ताकि चीज़ें याद रहें आपको ठीक है अब देखो बी प्लांट है बाइनियल जो है क्या हो गए एस सी एस से क्या है शुगर बीट और सी से कैबेज एंड कैरेट तो एस सी टू कर दो तुमने याद कर लिया कि एस सी टू है ठीक है ठीक है अब ये जो सीड है इसको मैंने ग्रो किया इसकी ग्रोथ हुई ये थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट हुआ थोड़ा सा सैपलिंग में कन्वर्ट हुआ छोटा सा प्लांट बना इसका वर्नलाइजेशन करा दिया वर्नलाइजेशन मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट ठीक है इसके वजह से क्या हुआ उसके बाद ये इसको लाइट मिली ठीक है फोटोपीरियोडिज्म इंड्यूस हुआ और ये बड़ा सा फ्लावर कर दिया बड़ा भी हुआ फ्लावर कर दिया ये वर्नलाइजेशन जो है ना सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद क्या कर रहा है फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है यही हुआ ना क्या कह रहा है सब्जेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए बाइनियल प्लांट कोल्ड ट्रीटमेंट से अगर सब्जेक्ट करते हो बाइनियल प्लांट की ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को तो स्टिमुलेट कर देता है वो सब्सिकुवेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स ठीक है ठीक है ठीक है, ये देख लो लोबनलाइजेशन इससे एक ही सवाल आता है यार इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत तो है ये याद करना है प्रिवेंट कर रहा है प्रिकॉशन डेवलपमेंट को लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड निब प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी ठीक है इस प्लांट को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है मैच्योरिटी रीच करने में ठीक है प्रिकॉशन रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इसके इनिवेट कर दे रहा है ये यहाँ पर ग्रो नहीं कर रहा है विंटर में यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से पहुंच जा रहा है अब देखो यार इसको ऐसे मत समझना वर्नलाइजेशन जो है ग्रोथ का इनिविटर है और फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है ऐसे नहीं जो लाइन दे रखी है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं ठीक है चलो सीट डोरमेंसी पे आते हैं ठीक है अब कई बार क्या होता है ना सीड जो होता है वो फिर भी जर्मिनेट करता है अगर फेवरेबल कंडीशन हो फिर भी क्यों क्योंकि कुछ डोरमेंसी होती है ठीक है दैट इज़ नॉट कंट्रोल बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड एंडोजेनस कंट्रोल होता है कंडीशन विद इन द सीड एक्ससेल जो कि उसको जर्मिनेट करने से रोक रही होती है अब जैसे इम्परमीएबल हार्ड सीड कोट अगर सीड कोट बहुत हार्ड है तो सीड उससे जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा ना निकल ही नहीं पाएगा ठीक है और कुछ केमिकल इनोवेटर्स जैसे एप्सिक एसिड फिनॉलिक एसिड पैराब्सकॉर्पिक एसिड ठीक है ये जो है अलाउ नहीं करते हैं सीड को ग्रो करने में और ए एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी अ रीजन तो ये पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार इससे सवाल पूछता है नया चीज़ है एन में दे रखा ठीक है इससे सवाल पूछता है मोर देन दैट ये चारों ये जो तीनों नाम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे सी सीड नॉन लिख पैरा स्कॉर्बिक ठीक है और इमेच्योर एम्ब्रियो भी ये दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनिबिट सीड डॉमिन्सी ठीक है कई चीज़ों के नाम दे देगा सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिबिट सीड जर्मिनेशन कैन प्रोमोट सीड डॉर्मिंसी एंड इज नॉट अ एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है अब कई चीज़ों का नाम दे देगा उसमें बोल देगा ऐसे दे देगा कि चलो तो मैं दे दिया विच आउट द फॉलोइंग इनबिट सीड जर्मिनेशन और इसमें पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एप्सिसिक एसिड फिनॉलिक एसिड एमिच्योर एम्ब्रियो और फिर एक दो और चीज़ें पाँच छः सात चीज़ें चीज़े मैंशन कर दिया उसमें पहला ऑप्शन देगा एक दो तीन चार और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कह देगा कि तीन ऑप्शन इसमें सही है चार सही है पाँच सही है छः सही है ऐसे पूछ रहेगा आपसे ठीक है तो आप क्या टिक करके आओगे चार ठीक है क्योंकि ये जो चार चीज़ें मैंने आपको बताई मिच्योर एम्ब्रियो जिसमें रहेगा आपको याद नहीं रहेगा मिच्योर एम्ब्रियो आपको याद रहता है तीन एसिड के नाम थे ठीक है पर आपको ये याद नहीं रहता कि मिच्योर एम्ब्रियो भी आंस वो है ठीक है ये नया है सी डोरमेंसी ठीक है पीडीएफ डाउनलोड कर लो बच्चे नेचुरल मीन्स ऑफ मैन मेड मेजर के थ्रू सीड डॉर्मेसी को ओवरकम कर सकते हो अब नेचुरल मीन मैन मेड मेथड क्या होगा मैकेनिकल एब्रेजन नाइफ सैंड पेपर से तो रगड़ रगड़ के सीट के आउटर कोट को जो हार्ड इंपरनीबल उसको हटा दिया ठीक है विग्रेस शेकिंग के थ्रू कर दिया ठीक है एब्रेजन्स हो सकता है माइक्रोवेल एक्शन के थ्रू नेचर में डाइजेस्टिव ट्रैक में अगर एनिमल्स खा लें सीड को वो डिजॉल्व कर देगा सीड के कोट को सीड जर्मिनेट कर जाएगा ठीक है अब उसके पेट के अंदर नहीं पर मैं कह रहा हूँ वेन ही विल पूप इट आउट ना ठीक है तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा तो जादू नहीं कर दिया दिए उसने ठीक है एच चिलिंग कंडीशन चिलिंग कंडीशन और या फिर गिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट्स से अगर एक्सपोज कर दो ठीक है तो तुम तो इनिबिट्री सब्सटेंस के इफेक्ट को रिमूव कर सकते हो अब यही चीज़ उधर पढ़ा था हम लोग ने क्या बोला था गिब्रेलिक एसिड जो है इधर क्या पढ़ा था हम लोग ने एंटागोनिस्ट है सी डॉर्मेसी के लिए ए बी ए का यहाँ पे हम लोग ने देख लिया तो हम यहाँ पे बना लेंगे एक अच्छा सा छोटा सा डाइग्राम ठीक है लाइट और टेम्परेचर भी हेल्प करता है ओवरकम करने की सीट डॉरमेंसी बस याद कर लो पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या कि तुम इनिबिट कर रहे हो ठीक है क्या, क्या क्या इनिबिट कर रहे हो क्या क्या, क्या क्या इनिबिट कर रहा है सीट डॉर्मेंसी को सॉरी सीट जर्मिनेशन को डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है याद रखना है ये सब वर्ड्स ना देख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सीट डॉर्मेंसी पूछ रहा है कि सीट जर्मिनेशन सीट जर्मिनेशन पूछ रहा है तो कौन इनिबिट कर रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे क्लारिफिकेशन के लिए यार कि ये सीड जर्मिनेशन की हम बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तुम पी लोगे तो हम सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो पैरा एप्सकॉर्बिक एसिड इनोलिक एप्सिक एसिड जर्मिनेशन को निबिट कर रहा प्रोमोट कौन करेगा गिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेड इसलिए ये जो जो है हमारे क्या एंटोग लेफ्ट एंड राइट साइड पर ठीक है हो गया चलो ये हो गया सेशन समाप्त अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपसे मैं डिस्कस कर नहीं सकता हूं अभी बिकॉज मेरे को नौ बजे जाना है और अभी डिनर भी मेरे को करना होगा वरना रात भर मैं भूखा रह जाऊंगा राइट बारह घंटे की अभी मेरी ड्यूटी होगी सो तो मैं ये पीडीएफ आपसे शेयर कर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे मेरी नाइट ड्यूटी है रेडी होना दो घंटे में हम लोग ने कवर कर लिया या वन शॉट वीडियोस में कभी प्लांट फिजियोलॉजी का एक साथ तो नहीं लूंगा इतनी एनर्जी लग रही है वर्बल एनर्जी आई नीड टू ट्रेन माई सेल्फ ठीक है पर मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें अच्छे से यार पक्का ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वालों को तो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं ठीक है तो प्लीज़ देख लो यार और चीज़ें नोट डाउन कर लो ये तुम्हें पी डी एफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में ठीक है आप देख सकते हो और हाँ ये पी वाई क्यू जो है छोटे से हैं यार बहुत इजी हैं इनको तुम लगा लेना ठीक है कितने पी वाई क्यूज हैं थर्टी थ्री है थर्टी थ्री है, तो है इनको तुम्हें सॉल्व कर लेना है ठीक है मस्त सॉल्व करो फिर दो एम आर शीट पर जब क्लिक करते हो ना तो उससे तुम कनेक्ट हो जाओगे किस से हमारी वेबसाइट से ठीक है तो लॉग इन करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर तुम क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक ओएमआर भरोगे ई ओएमआर सबमिट करोगे तो आंसर देख सकते हो सोल्यूशन के साथ सब फ्री है ठीक है तो रोना धोने का नहीं ठीक है ये पी है मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर ठीक है आई एम सुपर टायर्ड यार अब जाके मेरे को थोड़ा आराम करना है और उसके बाद जाना है यार काम करना है आई होप आपको मज़ा आया यार एंड यू वैल्यू द एफर्ट सबसे शेयर करो फैला दो ये वीडियोस हर जगह कोई इतने अच्छे से तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला मैं सही बता रहा हूँ ऐसे तरीके से देखो मेरा फंडा है ना तेरे को पढ़ाने का एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे डॉक्टर आर्यनाथ सिंह नहीं बैठा हु तुम्हारे टीचर नहीं बैठा हु मैं तुम्हारे लिए एज़ अ स्टूडेंट कंपेनियन बैठा हूँ एन सी की तरह कैसे एक बंदा जल्दी से जल्दी एन सी आर टी विजुअल निमोनिक और ट्रिक्स के थ्रू याद करे समझते हुए ठीक है ताकि उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जाएँ एक बार रिवाइज कर तो सारे डायग्राम्स उसको याद आ जाए उससे वो इजिल चीज़ें जो है बाद में रिवाइज कर पाए और फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे पाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है आपकी ठीक है तो इस तरीके से बायोलॉजी तुम करोगे ना बहुत अच्छा करोगे और आगे जो चैप्टर्स पढ़ाओगे तुम देखोगे उसमें मतलब तुम्हें मजा आएगा तो एक बार जैसे मैंने ना मेरे को ऑलमोस्ट आठ घंटे लगे होंगे ठीक है ये पूरा डिज़ाइन करने के लिए आपके लिए ठीक है फिर भी आपको थोड़ा हैफजार्ड लग रहा पूरा फिर से रिवाइज़ करना आपके लिए अच्छे से बनाना कलर कोडिंग करके ताकि आपको विजुअल जैसे मैं तो अब विजुअलाइज़ कर लिया ना मेरे को तो याद है ये सारी चीज़ें मैंने विजुलाइज़ किया था अपने समय भी ठीक है बट अब आपको मैं कैसे बताऊँगा जब तक तो कलर नहीं यूज़ करूँ आई एम नॉट गुड एट यूजिंग कलर मेरे एन ऐसे कलर नहीं था गंदा सा ही था पर मेरे को मालूम था मैंने रफली डाइग्राम बना रखा था कि ऐसा ऐसा होगा उसी को डाइग्राम को बार बार रिवाइज करता था तो क्विकली रिकॉल कर पाता था तो बहुत मेहनत लगी भाई इसमें और हर चैप्टर को फिर से समझ के आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगती है आई होप अप्रिशिएट इट और सबको शेयर कर दो अब मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है यार अब मेरे को अपने सीनियर्स को सर्व करना है एज ए इंटर्न ठीक है चलो अगली क्लास में लूँगा इन प्लांट की ठीक है कल ले लूँगा ठीक चलो यार बाय 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 पी डी एफ टेलीग्राम पर आ जाएगी पी वाई क्यू भी टेलीग्राम पर आ जाएगा और रिकमेंडेड एमसी क्यू एक्स्ट्रा जे एमसी क्यू पर आपको टेलीग्राम पर जाएगा बाय बाय टाटा चलो मेरे को डिनर भी ऑर्डर करना यार। सौरी, सौरी है यार सॉरी सॉरी यार जिसका डाउट मैं नहीं ले पाया मैं फुल लेंथ क्लास लूँगा ना उसमें आराम से डाउट लूँगा तुम्हारा ठीक है कोई नहीं ठीक है चलो बाय बाय